हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आज भैया फिर से एक नया टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग लेके मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही कमाल का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जो था फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से इन्होंने रिड्यूस करके रखा था लास्ट ईयर तक के। अब जो है फाइनेंशियल प्लानिंग सिलेबस में है, अच्छा पूरा है, और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये चैप्टर जो है ना बेटा, ये पूरा का पूरा बेस्ड है परसेंटेज के ऊपर। अगर आपको परसेंटेज निकालते आता है तो चैप्टर करते आएगा, तो सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना ये सीखना है। दर्शन, परसेंटेज निकालना आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही सीखना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दर्शन, आईपैड। और एक और चीज, इस टॉपिक को करते समय मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। नंबर एक कि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम जो एक्सरसाइज है इसका वन शॉट ले रहे हैं, प्रॉब्लम सेट नहीं ले रहे, क्योंकि दो प्रॉब्लम सेट है इसमें। तो अगर टाइम आता है बाद में, अपने को समय मिलता है, तो हम वो दो प्रॉब्लम सेट के ऊपर अलग से एक सेशन लेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हो, चार एक्सरसाइज ये है और दो प्रॉब्लम सेट है, तो अगर उसको करते बैठे तो बहुत लंबा सेशन जाएगा ये, और फिर उसमें आप लोगों को मजा भी नहीं आएगा। मतलब क्या होता है ना, एक कैपेसिटी होती है पढ़ने की बच्चों की, और मैं तो पढ़ाते रहूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर कितना पढ़ो, है ना। तो थोड़ा समझदारी यही है कि हम लोग क्या करें कि हम दोनों तरीके से देखें कि किस तरह से इसको करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको इसके लिए क्या करवाने वाला हूं, मैं आपको अभी जो है हमारा, एक मिनट रुकना, जो शुरू की चार एक्सरसाइज है हम उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, हम उसके ऊपर ही आज का वन शॉट करने वाले हैं। हाँ अच्छा, आगे का जो है, आगे का हमको जो भी लगता है या जैसा भी लगता है, हम उसके लिए क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम सेट है उस प्रॉब्लम सेट के लिए हम जो है यहां पर अलग से एक सेशन आपके लिए हम ले लेंगे। दर्शन, तो ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसमें डाला ओके। और इस सेशन में आपको क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखेगी, मैं बहुत सारा सॉल्व भी करूंगा, और बहुत सारा आपको रेडीमेड प्रिंटेड भी दिखेगा। तो अच्छा, एक और चीज, इसका मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, तो ये आपका काम है कि आप समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते रहे। मैं भी आपके कमेंट्स जो है बीच बीच में पढ़ते रहूंगा। बहुत से बच्चे मुझे बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे। सभी को मेरा नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हेलो, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, और जो भी आप बोलना चाहे वो सब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस बच्चे को जो टॉपिक हार्ड जा रहा, डरने की बात नहीं है, मैं आपको हर चीज करवाने वाला हूं और हर चीज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कहां से हुई, तो अगर वेटेड शेड्यूल देख लिया जाए तो ये विद ऑप्शन 8 मार्क का टॉपिक है। मतलब 8 मार्क इसमें से आते हैं, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कंटेंट इसमें से पूछा जाएगा। 8 मार्क छोटे मार्क्स ज्यादा नहीं होता, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि 40 मार्क के पेपर में से अगर 8 मार्क आपको इसमें मिल जा रहे हैं, तो 8×5=40, 20% का वेटेज वाला टॉपिक है। पूरे पेपर का 20% इसी में से पूछ लेंगे, विद ऑप्शन होगा वो, लेकिन फिर भी काम का है, ठीक है ना। और यहां पर आपको बता दूं मैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो जो पहला एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा बेस्ड है जीएसटी के ऊपर और टैक्स इनवॉइस के ऊपर। मतलब जीएसटी क्या है और टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, हमको हमने ये पहले दो एक्सरसाइज में सीखना है। जीएसटी ट्रेडिंग चेन जो होती है, जिसमें एक पर्सन से जो एक बिजनेस है, बिजनेस वन वाले ने अपना जो भी चीजें खरीदी और बिजनेस टू को बेचा, बिजनेस टू वाले ने जो है रिटेलर को बेचा और रिटेलर जो है कस्टमर को बेचेगा, तो ऐसी चेन बनती है जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट बाहर डाला आपने, 14 में डाला है, डायरेक्ट बाहर डालते हैं। इसको काम करना, इसको यहाँ पेस्ट कर देना, डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट करना इसके। उसके बाद में 4.3 जो है वो शेयर्स और रेट ऑफ रिटर्न्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जो एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन जनरली इधर से भी बनते हैं, क्वेश्चन सभी जगह से बनते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज से बनता है, 1 या 2 मार्क का, जिसके अंदर जीएसटी दिया होता है आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पूछते हैं, या एसजीएसटी दिया होता है सीजीएसटी जीएसटी पूछते हैं, या सीजीएसटी दिया होता है जीएसटी और एससीएसटी, मतलब इस तरह से पूछा जाता है। इधर ब्रोकरेज टैक्स, टैक्सेस ऑन द शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये जो दो प्रॉब्लम सेट है ये इन्हीं का सार है।
तो मैं अभी इन चार एक्सरसाइज का वन शॉट ले रहा हूँ। अभी एक काम कीजिए, फटाफट सभी अपने दोस्तों को फटाफट अभी मैसेज कर दीजिए कि पवन सर आ गए हैं। हेलो बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, सब करवाऊंगा मैं, स्टेटिस्टिक्स भी करवाऊंगा मैं, प्रोबेबिलिटी भी करवाऊंगा। सर्कल कर करना है क्या? कल अगर सर्कल करना है तो कमेंट बॉक्स में ऐसा मैसेज डालो कि सर कल सर्कल का वन शॉट कर लीजिए, क्योंकि देखो वन शॉट सर्कल का शाम में नहीं हो पाएगा, उसको हमको छुट्टी के दिन ही करना पड़ेगा। बहुत बड़ा है, टाइम लेने वाला है बहुत ज्यादा, बड़ा टॉपिक होने के कारण, तो मुझे बता दो तो मैं कल वो वन शॉट ले लूंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। सबसे पहले बात करते हैं जो जीएसटी की। तो जीएसटी क्या होता है, सभी ने सीखा है। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पर सबसे पहली बात आ गई कि जीएसटी जो होता है, इट स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब गुड्स मतलब चीजों के ऊपर लगने वाला टैक्स, और सर्विस सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स, इसको हम इसलिए जीएसटी कहते हैं। सभी को पता है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। जीएसटी कब से आया है? तो 1 जुलाई 2017 से। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना, एमसीक्यू में ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, कब से इसको इंप्लीमेंट किया गया है। बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस थे। कौन कौन से टैक्सेस थे? तो बहुत सारे टैक्सेस थे, जिसमें से आप देखते हैं एक्साइज ड्यूटी थी, जो कि क्या कहते हैं आपके अल्कोहल वाली चीजों पे लगती है। सर्विस टैक्स लोग दिया करते थे, उसके बाद कस्टम ड्यूटी लगती थी, ओके। सेंट्रल सरचार्ज सेस लगता था, वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स उसको बोलते थे, लग्जरी टैक्स लगता था, जो बड़े बड़े आप क्लब्स की मेंबरशिप लेते हो और साथ ही में जो लग्जरियस आइटम यूज करते हो, होटल्स में जाते हो, उस समय लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, ऑक्ट्राय लगता था, जो लोकल नाका होता है, किसी पर्टिकुलर सिटी में से आप गुजरो तो आपको ऑक्ट्राय देना होता था, सीएसटी है ना, और साथ ही में काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सीवीडी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज, तो इतना सब दिया लगता था। आपको याद होगा हमने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो इस तरह से ट्री के अंदर मैंने सारे आपको नाम दिए थे, और ये सारे एक थे। अब क्या हो गया, ये सबकी जगह पर एक ही टैक्स आ गया और उसका नाम हो गया जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक होने वाला है। कुछ चीजें आपको शायद दिख नहीं रही होगी, कल सर्कल लेना है। फिर से आवाज चलेगी? क्या हो गया, सबकी जगह पर एक ही टैक्स। ये माइक का ना ऐसा लगता मेरे को ना, मतलब सबसे ज्यादा मैं ही परेशान हूँ इस चीज को लेकर, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं ही परेशान हूँ। अभी शायद अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है? वो टैक्स इनवॉइस जो कि आप जबकि कोई चीज खरीदते हो तो आपको टैक्स इनवॉइस यहां पर मिलता है। लाइक यहां अगर देखो तो ये एक टैक्स इनवॉइस है जो कि आलमंड कैशू ड्राई फ्रूट्स के लिए बनाया गया है। तो जब भी टैक्स इनवॉइस बनाते हैं तो क्या क्या दिया जाता है? जो सप्लायर होता है उसका नाम लिखा होता है सबसे पहले, तो जो भी सप्लायर आपका होगा उसका यह नाम आएगा, उसका एड्रेस भी आता है, उसका एड्रेस आएगा, उसका यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर और इसका उसका कॉन्टेक्ट और उसका ईमेल भी आएगा, ये बात ध्यान रखो, और साथ में इनवॉइस का नंबर भी आएगा, जीएसटी इनवॉइस का नंबर भी होता है, साथ में जो सप्लायर है उसका जीएसटी आईएन नंबर भी उसको यहां लिखना होता है, और किस डेट का इनवॉइस है। ये सारे इनवॉइस इसी टाइप के होते हैं, ठीक है ना, सभी में कुछ ये बहुत डिटेल बना के दिया है आपको। जब आप कोई चीज खरीदने जाओगे तो इतना बड़ा आपको नहीं बना के देगा वो, ये आपको समझाने के लिए बना के दिया है ना। बड़ा सिंपल सा होता है कि आपने कौन सी चीज ली है और दैट्स इट, वो फटाफट बिल बना के आपको दे देते हैं। ये बहुत डिटेल में बनाया है। तो इसके अंदर क्या क्या है? सीरियल नंबर है, एचएसएन कोड है, ये क्या होता है ये भी आपको बताता हूं मैं। नेम ऑफ द प्रोडक्ट आलमंड कैशूज एंड ड्राई फिगर्स। अब देखो इसमें ये सब चीजें क्या है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये 900 रुपए किलो का है, 500 ग्राम लिया है, आधा किलो लिया है, तो 900 का 450 रुपए ऐड हो गया। ये 800 रुपीज पर केजी है, 1 केजी लिया तो 800 रुपए हो गया। ये 1500 रुपए किलो है, 250 ग्राम लिया है तो 375 रुपए हो रहा है। अब जो है यहां पर रेट ऑफ जीएसटी 12% है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स के ऊपर जीएसटी 6% यहां पर बता के रखा हमको, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल हमको पहले भी देके रखा है। तो आप क्या करते हो, 12% अगर होगा तो आप उसका 6% सीजीएसटी में देते हो, ओके। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 6% देते हो, आपका
स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी क्या क्या होता है, ये भी समझ लो पूरी तरह से। देखो क्या बोलता है कि जो क्या क्या चीजें थी उस टैक्स इनवॉइस में, सीजीएसटी था, एसजीएसटी था, जीएसटीआईएन था, एचएसएन था, तो और ये सभी टर्म्स को यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजीएसटी की और एसजीएसटी की। सीजीएसटी क्या होता है बेटा? सीजीएसटी होता है, दैट इज एक मिनट रुकिए, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप जो भी पैसा, आप जो भी टैक्स देते हो, तो आपका टैक्स दो पार्ट्स में बंटता है। आप जो भी टैक्स देते हो ना, तो उसके दो पार्ट्स में बंटता है वो। एक तो आप आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो, है ना, एक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो और एक आपके स्टेट गवर्नमेंट को देते हो, एक आपके स्टेट गवर्नमेंट को देते हो। और इसका कैलकुलेशन जो होता है वो फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और जीएसटी देता है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन के समय उद्धव जी ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री थे, तो कई बार बोलते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जीएसटी का पैसा नहीं दिया अभी तक के। तो ये वो जीएसटी का पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो उनके हक का होता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है, और वो कितना होता है, अगर ये जितना भी हो, लाइक ये अगर एक्स रुपीज है, ये अगर एक्स रुपीज है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक्स अपॉन टू रुपीज होगा और ये भी एक्स अपॉन टू रुपीज होगा। मतलब जो भी पैसा होता है आधा आधा बढ़ जाता है दोनों में, है ना, आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है, आधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, दोनों के दोनों, ठीक है। क्योंकि देखो, अच्छा ये पैसे कहाँ यूज होते हैं, देश की प्रगति के लिए ही यूज होते हैं। रोड बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, अलग अलग जगह पर ये पैसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ओके, जीएसटी इज टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी इज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। और बात ध्यान रखना, जीएसटी और एसजीएसटी हमेशा इक्वल होता है, ये ज्यादा नहीं होता। आई गेस आपको सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से आता है, स्टडी के लिए तरी 90%। हाँ कर लेंगे बेटा, थैंक यू वेरी मच, कर लेंगे बेटा। जो बच्चे बोल रहे हैं पवन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल के वीडियो के बाद कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि पवन सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है बेटा, देखो मेरा काम है आपको बीच बीच में आकर गाइड करना, और आप इस चीज को भी समझ लो, पढ़ाना एक घंटे की बात अलग होती है, वन शॉट की बात बहुत अलग होती है। वन शॉट के लिए एक अलग ही आपका, आपके पास में एक तो टाइम चाहिए होता है, एक अलग ही माइंडसेट चाहिए होता है, और अगर फिजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो या आपका मूड ही नहीं है, तो आप उसको नहीं ले पाओगे। मेरा थोड़ा सा, मैं मूडी पर्सन हूँ बेटा, मैं काम करूँगा तो बहुत काम करूँगा, मैं आराम करूँगा तो बहुत आराम करूँगा, लेकिन मैं आराम नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, काम ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटीआईएन क्या होता है? जीएसटीआईएन होता है कि दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। GSTIN is Dealer's Identification Number, जिस बंदे ने ये बेचा है उसकी पहचान, तो उसकी पहचान GSTIN नंबर से होती है। वो क्या होता है, ये क्या होता है, देखो एक बात समझ लो, जिस बंदे का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता है, जिसका 20 लाख रुपीज से ज्यादा का टर्नओवर है, उसको GSTIN लेना ही पड़ता है, GSTIN नंबर उसको लेना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है, उसको लेना ही है। वो ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता, उसके कैलकुलेशंस नहीं होंगे। अच्छा वो इसलिए भी लेता है कि अगर जीएसटीआईएन नंबर नहीं हो, उसको जीएसटी पे करना है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, लेकिन मैं चीज को खरीदते समय जीएसटी पे कर रहा हूं और बेचते समय मैं जीएसटी ले नहीं पाऊंगा फिर, क्योंकि जो मैंने जीएसटी दिया है वो मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगा। तो उसी के लिए जीएसटीआईएन भी जरूरी होता है, और सरकार ने ये जो पैटर्न ला के सेट किया है, इससे क्या हो गया, करोड़ों रुपए का जो ऐसा बिजनेस होता था जो गवर्नमेंट के भी ध्यान में नहीं आ रहा था, जिससे दो नंबर के पैसे बन जा रहे थे, वो सारी चीजों पर रोक लग गई। अभी 3% जो है जीएसटी आपको पे करना पड़ता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर, है ना, सोने के ऊपर, सोने के ऊपर भी जीएसटी लगता है 3-6% जो भी है। तो जब आप जीएसटी देते हो, तो जो पर्सन बिजनेस वाला है उसको 100% दिखाना पड़ता है कि यार ये, क्योंकि वो तो ऑन पेपर आ गया ना पूरा का पूरा, जीएसटी दिया मतलब कहां से आया, क्यों दिया। तो जो बंदा बिजनेसमैन है उसको भी उसको पेपर पे दिखाना है, तो चोरी नहीं कर सकता। अगर जीएसटी नहीं दिखाया, कच्चा बिल दे दिया, तो क्या हो गया, वो पैसा उस बंदे के पास पूरा चलेगा, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं फिर सरकार को, वो खा जाएगा उस पैसे को, वो ब्लैक मनी होता है, उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी क्या है बिजनेस में, यही है ना। तो ये जीएसटीआईएन नंबर होता है, और वो क्या होता है, 10 जो है, देखो ध्यान से देखो, जैसे मैं आपको समझाऊं, जीएसटीआईएन में ये जो पहला नंबर होता है ये स्टेट का नंबर होता है, दिस इज द 2-डिजिट स्टेट कोड, जिसे महाराष्ट्र का 27 नंबर है, ठीक है, महाराष्ट्र का नंबर क्या है, 27, इस बात का ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र का नंबर है। और यहां से लेकर के यहां तक का जो नंबर 10 डिजिट, ये आपका पैन कार्ड होता है,
10 डिजिट पैन नंबर है ना। पैन नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। ये क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये हर बंदे का होता है, ये आपका भी होगा, आपके पापा का भी होगा, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, ये परमानेंट अकाउंट नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको रेज कर देता हूं, है ना। और उसके बाद में क्या होता है, और ये जो है वन रिप्रेजेंट फॉर वन रजिस्ट्रेशन, है ना, कि एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ इस नाम से। और आगे क्या होता है, ये जो है यूनिफॉर्म फॉर ऑल द बाय डिफॉल्ट। और आखिरी का जो है वो चेक सम डिजिट्स। अब देखो ये जो होता है ना पैन नंबर, पैन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। ये क्या होता है, परमानेंट अकाउंट, मैं हूं तो सही, मैं यूज तो कर ही लेता हूं, लेकिन ये फटाफट चलता नहीं है। और वन क्या के लिए, वन रजिस्ट्रेशन के लिए, ये यूनिफॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट, और ये चेक सम डिजिट्स होता है, गिव द वैलिडिटी ऑफ द जीएसटी आईएन व्हेन द इंटर्स जीएसटी पोर्टल, ओके। अब क्या बोल रहा है, टू डिजिट फॉर द स्टेट कोड, टू डिजिट जो है ये स्टेट कोड होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद में 10 डिजिट जो होता है, अब HSN क्या होता है, हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कुछ अलग अलग चीजें हैं उसको भी HSN, उसके लिए भी एक वो बना के रखी, एक किताब बना के रखी, उसके नामकरण संस्कार दे के रखा है, तो HSN में होता है, हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय द गिविंग न्यूमेरिकल्स एंड कोड्स कॉल्ड HSN। जितने भी गुड्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उन सबका नामकरण कर दिया गया है, उनको नंबर दे दिया गया है, तो वो है ना। इट इज टू बी कोटेड इन द टैक्स इनवॉइस, इसको टैक्स इनवॉइस में कोट किया जाता है। इसको कहां कोट किया जाता है, टैक्स इनवॉइस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, इट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड, जिसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगी, जिसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होती है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है। उसके बाद में आगे, टोटल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस क्या होता है, द टोटल वैल्यू और द इनवॉइस वैल्यू, दो नाम होता है, इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग जीएसटी। देखो समझ लो कि अगर आपने 100 रुपए की चीज ली है और आपने 18% जीएसटी दिया है, 18 रुपए जीएसटी दिया है, तो आपने तो 118 रुपए दिए ना, तो ये जो 118 रुपए है, ये वाला जो 118 रुपए है, ये जो उसको कहलाएगा, इसको हम कहेंगे इनवॉइस वैल्यू, इसी को कहेंगे इनवॉइस वैल्यू, या हम इसी को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टोटल वैल्यू, इसको हम टोटल वैल्यू भी कह सकते हैं और इसको इनवॉइस वैल्यू भी कह सकते हैं। ये 100 रुपए क्या है, ये 100 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, और ये 18 रुपए क्या है, ये 18 रुपए जीएसटी है, ठीक है। ऐसा इनका टुकड़ा टुकड़ा करते आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है, ठीक है। खालचे वाक्य दिसत नहीं है, ठीक है, मैं लक्षात ठेवेला था, नको दिसू दू। एसएससी क्या होता है, एसएससी होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, है ना, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है एसएससी, लाइक गुड्स एंड सर्विस। अब देखो जैसे चीजों को नाम दिया एचएसएन, वैसे सर्विस को भी नंबरिंग देके रखा है, उसको भी नाम देके रखा है, तो लाइक गुड्स सर्विसेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एंड स्पेशल कोड्स एंड नंबर्स आर गिवन टू देम इज कॉल्ड एसएससी, है ना। इट इज टू बी कोटेड इन द टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के अंदर एसएससी को भी कोट किया जाता है। देखो एचएसएन किताब चीजों के लिए, गुड्स के लिए, और सर्विसेज एसएससी, ओके, ये दो नाम ध्यान रखना। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता, इसके ऊपर जनरली कभी क्वेश्चन बना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, HSN कोड फॉर द टैक्स इनवॉइस फॉर द गुड्स एंड SSC फॉर द सर्विस। मैंने बताया आपको HSN कोड जो होता है वो किसके लिए होता है, HSN कोड, HSN कोड जो होता है वो गुड्स के लिए होता है, गुड्स के लिए होता है इनवॉइस में जो आप चीजों को बताओगे, और SSC जो होता है वो सर्विसेज के लिए होता है, जो सर्विस के इनवॉइस बनेगा उसके अंदर, ठीक है ना। इन दो चीजों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जस्ट ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो 0% किसके ऊपर लगता है, हालांकि ये जो है जब 2017 में जीएसटी आया था उस समय जब किताब के अंदर उन्होंने दिया था, हालांकि ये अपडेट करना चाहिए, इसमें से बहुत सारी चीज़ें बदल गई, इसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी लग गया है, जो जीरो में है उसमें ऊपर भी टैक्स लग गया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें के ऊपर और टैक्सेस लग जाएंगे।
अब आप सोचो कि टैक्सेस, देखो बेटा क्या होता है, टैक्सेस का बड़ा झोल है, मतलब बंदा जो है पैसा कमाने वाला जो है वो इनकम टैक्स भी देता है, वो इनकम टैक्स भी देता है, और वो जब इन चीज़ों का उपयोग करेगा तो वहाँ भी टैक्स देता है। तो अगर ऐसे कैलकुलेट किया तो वो बहुत सारा टैक्स देता है, और इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पर हम इतना सब टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स भी देते हैं। इंडिया में इनकम टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो 2.6% ही लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं पूरे इसका। तो बचे हुए जो लोग हैं 2.6 को छोड़ दिया तो 98.4% जो लोग हैं वो इनकम टैक्स नहीं देते, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोगों की खेती है। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, दूसरा इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं है, है ना, डेवलपिंग कंट्री है, तो गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके कारण उनका जो इनकम है वो इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आता। लेकिन अगर दुबई की बात करते हैं, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, दुबई में दूसरी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। तो 0% क्या होता है बेटा, 0% इसके ऊपर होगा कि जो असेंशियल कमोडिटीज है, ग्रेन्स धान्य अपन घेतो, फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क सॉल्ट अदन पॉट्स, टैक्स लागत नहीं, जीएसटी लागत नहीं। सर्विसेस जी असतात चैरिटेबल ट्रस्ट च्या, ओके त्या फ्री आहेत। ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर, वॉटरला ट्रान्सपोर्ट करायचं, कोणाला पाण्याची गरज आहे ते नाही लागणार। यूज ऑफ रोड नाही आहे। ब्रिजेस, पब्लिक लायब्ररी, ऍग्रीकल्चर रिलेटेड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि ये जो बोला है क्या, ब्रिजेस, यूज ऑफ रोड इन ब्रिजेस, ये कितनी होशियार वाली बात है। यहाँ पर लिखते हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, पर भैया इसके ऊपर हम टोल तो दे ही रहे हैं, इसका क्या, इसका कोई हिसाब बता रहा है? इस दिल को समझाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा कि हम इस पर जीएसटी नहीं ले रहे लेकिन आप टोल तो दे रहे हो। दूसरा, लो रेटेड 5% किसके ऊपर लगता है, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर लगता है, चाय के ऊपर, कॉफी के ऊपर, ऑयल के ऊपर, हनी के ऊपर, फ्रोजन वेजिटेबल्स के ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर, स्वीट्स के ऊपर। आप मिठाई की दुकान पे जाओ, है ना, 500 रुपये किलो की मिठाई लो, 5% देना पड़ेगा आपको, 25 रुपये ले लेंगे, ये 25 रुपये ले लेंगे आपसे, ठीक है। 500 रुपये में अगर किलो भर मिठाई ले रहे हो तो 250 रुपये में, 250 रुपये में कितनी आएगी, 250 रुपये में आधा किलो आएगी, तो 250 रुपये में अगर आधा किलो आएगी मतलब 500 ग्राम आएगी, मतलब सीधी सीधी बात है, 500 रुपये में एक किलो, मतलब 500 रुपये में 1000 ग्राम है, तो 25 रुपये तो ये ले ले, 50 ग्राम के पैसे सरकार, 50 ग्राम तुम्हारे पेड़े खा रही है सरकार। तुमने अगर 500 रुपये के पेड़े खरीदे हैं तो सरकार तुम्हारे 50 ग्राम पेड़े खा जाएगी, है ना, ये सरकार को दे रहे हो तुम जीएसटी के फॉर्म में, क्योंकि 50 पर 5% देना है, 5% देना ना, तो इसका 5% कितना होगा, 25 रुपये होगा, 500 रुपये में 1000 ग्राम है, तो एक 500 रुपये में 1000 ग्राम है, तो एक रुपये में कितने ग्राम होगा, 2 ग्राम, तो 25 रुपये में 50 ग्राम, 50 ग्राम पेड़ है सरकार खा ली है तुम्हारे, ठीक है। सर्विसेज क्या है बेटा, रेलवे ट्रांसपोर्ट्स की जो सर्विसेज, इसके ऊपर 5% लगता है, बस के ऊपर लगता है, टैक्सी के ऊपर लगता है, एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, लिए इकोनॉमिक क्लास के ऊपर लगता है, ध्यान रखो। एयर ट्रांसपोर्ट में दो तरह से, इकोनॉमिक अलग है, और एक जो होता है जिसमें बिजनेस क्लास लोग घूमते हैं, बढ़िया आलिशान, आपने देखा होगा टेक्निकल गुरुजी या ध्रुव राठी इसके अंदर घूमते हैं, वो उसका 28% होता है। होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस, मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसके लिए। अब अगला आता है 12% का, तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ये सब पूरा स्लैब आता है, और पिकल, मोबाइल फोन्स, सर्विसेज के ऊपर, प्रिंटिंग जॉब्स, इसके ऊपर 12% लगता है, गेस्ट हाउस, सर्विस रिलेटेड ये। और फिर बात आती है 18% की, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल्स, इसके ऊपर 18% लगता है, कुरियर सर्विस, आउटडोर, सर्कस तो आप बनी हो गए, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज को भी लगता है, जैसे हम यूट्यूबर्स हैं तो हमारा जो पैसा आता है उसका 18% आपको यहाँ पर पैसा देना होता है, ठीक है, मतलब वो उसमें भी यहाँ पर हक है। तो और आगे है 28%, सबसे ऊपर टॉप में 28% है, और उसमें सारे लग्जरीज आइटम आते हैं, बड़ी बड़ी कारें आती हैं। अब जैसे जब मैंने फोर व्हीलर लिया था, तो फोर व्हीलर अगर आप 1500 सीसी के ऊपर का खरीदते हो तो 28% लगता है जीएसटी, ठीक है, वहां 28% जीएसटी देना है। मतलब अगर आप 20 लाख रुपए का, अगर आप 20 लाख रुपए का व्हीकल ले रहे हो तो 560,000 रुपए आपको जीएसटी सरकार को देना है, 28%, समझ रहे हो? तो जितनी लग्जरियस गाड़ी रोड पे घूम रही है उसके ऊपर सरकार बहुत तबीयत से पैसा कमा रही है, ठीक है। फिर मसाला, वैक्यूम क्लीनर, उसके बाद में डिश वॉशर, ये सारी ऐसी चीजें जो करोड़पति लोग यूज करते हैं, 5-star होटल, है ना, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब का सब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बोलता है जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। अब इसके अंदर एक चीज समझ लो कि जो जीएसटी रेट्स हैं
जो जीएसटी रेट्स हैं, थोड़ा सा देखो यहां पर बताता हूं आपको मैं। अब अगर यहां देखो तो जो जीएसटी रेट्स है, जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, है ना, टू अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। तो यहां पर ये आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी के अंदर नहीं आते, ओके, लेकिन यहां पर ये जो है चेंज होते रहते हैं इनके। आप देखो स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी जो है आपका जीएसटी कम ज्यादा करती है। अभी अगर हम देखें तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी है महाराष्ट्र का, वो ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे इससे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल हो गया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सब चीजें ध्यान रख दो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन पे करता है, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी आप पे करते हैं, टोटल वैल्यू जो होता है इनवॉइस का, उसको हम जो टोटल इनवॉइस होता है या टोटल वैल्यू जो होता है वो जीएसटी की प्राइस को इंक्लूड करके लिया जाता है। और जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। पवन मेडिकल का क्वेश्चन मुझे लगता है ये पहले आ चुका है ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस, ये पीवाईक्यू है बेटा, ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सब मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जीएसटी कितना है, जीएसटी परसेंटेज कितना है, जीएसटी 12% है। तो बोलता व्हाट इज द रेट ऑफ द सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा, हाफ ऑफ द 12%, तो हो जाएगा 6%, और ये भी 6% हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ, आप ऐसा लिखना, दैट इज रेट ऑफ, ऐसा लिखना रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, ये होगा 6%। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में देखना हो तो ये इस तरह से आएगा, ऐसा आपको दिखेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों बात की है। ठीक है ना, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ, और आखिरी में स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा आपको आखिरी में लिखना ही लिखना है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, अच्छे से लिखना सीख लो इसको। ठीक है, चलो, माझी मेंबरशिप नका गया, मेंबरशिप कोई मत लो, हमारी मेंबरशिप भी कोई मत लो, हम मेंबर्स को भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रहे, पैसे मत वेस्ट करो, है ना, कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। देखो यार, रेट ऑफ सीजीएसटी क्या देके रखा है, रेट ऑफ सीजीएसटी क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी है 9%, तो रेट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा, वो भी 9% ही होगा ना, ओके, और वो अगर 9% होगा तो फिर क्या होगा आपका रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, आपका रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, दोनों का सम आप लिखोगे यहां, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आएगी, एसजीएसटी, तो क्या होगा 9% प्लस 9%, तो कितना हो जाएगा ये 18% हो जाएगा बेटा, बस वैसे ही है, इसका सॉल्यूशन देख लो आप, है ना, रेट ऑफ एसजीएसटी 9% है और टोटल जो है वो इतना है। मैं आपको दोनों जगह देखो, मैं इधर सॉल्व भी कर रहा हूं और मैं इधर भी कर रहा हूं, मैंने इसको टाइप भी करवा के रख लिया है, मतलब कि ये है, हो सकता है कि मैं अपने मेथड से कर दूं, इधर उधर में फर्क आ जाए, लेकिन आपको दो चीजें मिलेगी। ठीक है, डबल 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 धमाका। बेटा वो पैकेजेस, पैकेजिंग के ऊपर टैक्सेस लग सकता है, पर वेजिटेबल्स के ऊपर नहीं लगता, पैकेजिंग के ऊपर लग सकता है, पैकर्स एंड मूवर्स की जो सर्विसेज है, पैकर्स एंड मूवर्स पता है तुमको, तुम्हारे घर का सामान दूसरी जगह पहुंचाना है, तो पैकर्स एंड मूवर्स अगर आपसे पैसे ले रहा है तो आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, तो सर्विस टैक्स में आ जाएगा वो, एसएससी में आएगा वो। ठीक है ना, मेसर्स रियल पैंट सोल्ड टू टीन्स ऑफ द लस्टर पैंट्स, ओके, दो टीन बेचे हैं लस्टर पैंट के, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज दिस, तो क्या बोलता है वो, टैक्सेबल वैल्यू, क्या बोलोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वन टीन वो कितना है, 2800, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टू टीन्स क्या होगा, 2 × 2800, तो कितना हो जाएगा, 5600 रुपए। अभी क्या बोलता है, जीएसटी रेट 28% है, तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्जेस निकालना, फाइंड अमाउंट ऑफ, ओके, तो अभी एक काम कर, तो जीएसटी कितना निकलेगा, जीएसटी 28% ऑफ 5600, तो हो जाएगा 28/100 इंटू 5600, तो क्या होगा यहां पर, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, और 28 × 56 आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको क्या आएगा, तो और फिर जब जो भी अमाउंट आएगा 28 × 56 कर लो, 28 × 56 सॉरी 28 × 56 6, 8, 48 की 8, हत्या 4, 6, 2, 12 और 4
16 और 5 से किया तो ये 140 आएगा, तो हो रहा 8651 1568 का आधा कितना होगा 784 784 ये टोटल होगा 1568 रुपये। और फिर CGST और SGST कितना होगा, ये होगा इसका आधा, तो 784 रुपीज़ होता है, ठीक है ना। चलो देख लो, छपा छपाया देख लो कि 2800 रुपये का एक का वैल्यू था, दो का वैल्यू 5600 रुपये हुआ, वही अपन ने निकाला था। यहाँ पर हमने 5600 निकालना था, दो टीन का और रेट ऑफ GST 28% है, 14% दोनों पे आएगा। मैंने लिखा नहीं इनका, वो लिखना चाहिए था, ठीक है। और 14% इसने अलग से निकाल के रखा, आपने ऐसा किया तो भी चलेगा। और आप एक लाइन यहाँ पर बढ़ा सकते हो, CGST एंड CGST इक्वल टू SGST, एक मिनट रुको यार, इरेजर है CGST इज इक्वल टू SGST बराबर हाफ ऑफ GST, तो हाफ ऑफ 28% तो 14% होगा रेट ऑफ CGST SGST, तो ये 14% हो गया। और 14% का अपन ने इसका 14% निकाल लिया, तो ये दोनों का SGST CGST आ गया। मैंने यहाँ GST भी निकाला, अगर क्वेश्चन में आपको GST पूछा तो पहले आप GST फाइंड करो और GST फाइंड करने के बाद में आधा कर दिया, मतलब देयर आर टू मेथड्स, आप चाहो तो ऐसे करो या आप चाहो तो ऐसे करो, बोथ द थिंग्स आर देयर फॉर यू, ओके, दोनों का दोनों आपके लिए है। सर आपके ऐप के कौन से भी चैप्टर के नोट्स नहीं आए हैं, ठीक है मैं जल्दी, 12th का नहीं हो पाया है, 12th का अब हम करेंगे बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो हो गया इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन जो है मैंने स्किप कर दिए हैं, ठीक है, इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन जो मैंने स्किप कर दिए हैं, ये टिप टॉप वाटर वाला है, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था, अभी क्वेश्चन 4 और 5 मैंने नहीं लिया, अगला वाला क्वेश्चन ले लिया है, और वो है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये भी पिछले इसमें आ चुका है। ये देखो टिप टॉप इलेक्ट्रिकल्स का AC है ना, एयर कंडीशनर 1.5 टन का लिया है, और ये क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज दिस विद GST, ओके, तो टोटल वैल्यू ऑफ, यहाँ क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ AC कितना हो रहा है 51,200। ये क्या बोलता है, द रेट ऑफ CGST इज 14%, तो ये बोलता है देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस इन द इन दिस, ओके, तो इसके अंदर अपने को फॉलोइंग चीजें निकालनी है, क्या क्या निकालनी है, तो इतनी सारी चीजें निकालनी है, रेट ऑफ SGST निकालना है। देखो बेटा यहां पर देखो कि रेट ऑफ CGST है 14%, तो यही होगा रेट ऑफ SGST, SGST भी इतना होगा जितना CGST होगा उतना SGST होगा, तो बदलना ही नहीं है, वो तो सेम होते हैं ना, दोनों मिलके टोटल हो जाएगा। आगे पूछता है सॉल्यूशन, तो दोनों सेम आ गए, आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ GST ऑन द AC के ऊपर GST कितना होगा, तो GST ऑन AC करता हूं मैं, तो वो है 28% ऑफ, कितना होगा 28% होगा बस, है ना, रेट पूछा है, रेट सिर्फ रेट पूछा है, GST नहीं पूछा है, तो रेट ऑफ GST लिखो, रेट ऑफ GST, और रेट ऑफ GST क्या है ऑन AC, दैट इज 28%, ठीक है ना, AC के ऊपर जो GST है वो कितना है बेटा, वो 28% है, ठीक है ना, वो कितना है, वो 28% है ना, ये 14 है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28% आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन देख लो, 28% आ गया, ये इसने डायरेक्ट ऐसा लिखा, मैंने डायरेक्ट 28 लिखा है आपको, तो आपको ऐसा लिखना है, रेट ऑफ GST ऑन AC, है ना, रेट ऑफ GST ऑफ एनी ऑन AC, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और आप जो है इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, मैंने डबल डायरेक्ट कर दिया है ना, इसको स्टेटमेंट वाइज करना है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, दैट इज रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, SGST है ना, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 14% प्लस 14% एंड दैट इज 28%, और आखिरी का स्टेटमेंट ऐसा लिखना जरूर कि रेट ऑफ SGST कितना है, ठीक है। अभी आगे क्या पूछता है, आगे पूछता है टैक्सेबल वैल्यू, देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC की टैक्सेबल वैल्यू अपने को निकालनी है। अब मैं ये वाला पार्ट जरा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, मैं ये वाला पार्ट जो है इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आगे चीज़ें अपने को लिखना है, आगे की चीज़ें भी यहीं पे आएगी ना, थोड़ा सा ये पैटर्न को, ये चैप्टर को अलग तरीके से बता रहा हूँ मैं, और जरूरी है उसको उस तरह से करना। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा,
यहां एक चीज समझने वाली है कि जब आपको टैक्सेबल वैल्यू पूछी है किसकी, जीएसटी की, मुझे बात बताओ क्या आपको पता है कि इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या था? नहीं पता है मुझे टैक्सेबल वैल्यू एसी का, मुझे पता ही नहीं है। तो ये कैसे करेंगे हम? तो दो तरीके होते हैं इसको करने के दो तरीके होते हैं कि दो तरीकों से हम कैसे निकालें। देखो हमको देके रखा है टोटल अमाउंट, हमको दिख रहा है परसेंटेज। तो अगर मैं यहां पर लेट कर दूं कि लेट, ठीक है ये यहां नहीं करते, मैं इससे बाहर निकलता हूं, डिस्कार्ड, टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू है 51,000, कितना बता रहा है? 51,200 बता रहा है। इससे हमको जो है टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। देखो इसके दो तरीके होते हैं कि आप तो जो प्राइस है उसको 100 सपोज कर लो और सिंस देयरफॉर करके निकाल लो आगे का, ठीक है। पहला मेथड क्या बोलता है कि लेट टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपए हो गया, तो उस पर जीएसटी कितना लगा है? 28 रुपए, क्योंकि 28% है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? टोटल वैल्यू हो गया 100 + 28, तो हो गया 128। अब आप क्या लिखेंगे यहां, सिंस देयरफॉर जमाएंगे, टोटल वैल्यू इज ₹128, देन टैक्सेबल वैल्यू, ये ऐसा लिखने का ध्यान रखना, टैक्सेबल वैल्यू इज 51,200। तो फिर लिखना है यहां पर, ओके टोटल वैल्यू इज 100, ओके टोटल वैल्यू इज, एक मिनट रुको, ऐसे मत करो, ऐसे जमाओ, टोटल वैल्यू इज 128, देन टैक्सेबल वैल्यू 100, तो देन टोटल वैल्यू इज 51,200, देन ये वाला देन THEN आएगा, देन टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? 51,200 × 100 अपॉन 128। तो 128 के टेबल में कितनी बार आएगा ये चेक करो, 128 के टेबल में 4 बार आएगा, ये 40,000 हो गया मेरे भाई। ये एक तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ, ये मेथड क्या हुई, ये मेथड वन हुई आपको निकालने की। ये कौन सी मेथड हुई? ये मेथड वन बोलते हैं इसको, ये हो गई आपकी मेथड वन। इसका एक और तरीका बेटा निकालने का, ध्यान देना, इसको निकालने का एक और तरीका है, वो भी सीख लो, वो मेथड क्या है। दूसरा है, आप इसको ना, आप इसको क्या करो, एक्स सपोज कर लो, आप क्या करो, ऐसे करो कि भैया टैक्सेबल वैल्यू कितना था, लेट टैक्सेबल वैल्यू कितना था बेटा, टैक्सेबल वैल्यू एक्स रुपीज सपोज कर लो, तो जीएसटी क्या होगा, 28% ऑफ एक्स हो जाएगा, तो 28/100 × x हो जाएगा, है ना। तो आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा, टोटल वैल्यू कितना आएगा भैया जीएसटी अगर देखो तो ये जो एसी था, एसी का टैक्सेबल वैल्यू एक्स रुपीज था और टैक्स इतना लगा, जीएसटी इतना लगा, तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, है ना, एक्स प्लस 28/100x, तो 100 का यहां मल्टीप्लाई होगा, 100 एकम 100 हो जाएगा 128x/100। अब ये टोटल वैल्यू कितना देके रखा किताब में टोटल वैल्यू देके रखा 51,200, तो मैं यहां 51,200 लिख देता हूं, ये 100 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 100 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 128 नीचे आ जाएगा और बराबर में x आ जाएगा, तो फिर से कट जाएगा 40 बार, तो ये आ गया 400 बार, तो ये हो गया 40,000। तो देखो आपको 40,000 जो है एसी की जो है टैक्सेबल वैल्यू दो तरीके से निकाली है, एक हम 100 रुपए सपोज करके कर सकते हैं और मेथड टू क्या है, x सपोज करके कर सकते हैं।
तो आपको जैसे लगता है ना वैसे आप कर सकते हो, है ना। आपको ये अच्छी लगती मेथड इससे करो, आपको ये अच्छी लगती। क्या करा था हमने, ₹100। हमने सोचा कि भाई हमने क्या सपोज कर लिया कि जो एसी है उसकी कीमत ₹100 है, फिर टैक्स कितना लगा, ₹100 पे 28%, तो ₹28, तो ₹28 हमने इस पर टैक्स ले लिया, जीएसटी ले लिया, तो टोटल एसी कितने का पड़ा, 128 का। फिर हमने क्या बोला कि भाई अगर टोटल वैल्यू एसी की ₹128 है तो टैक्सेबल वैल्यू 100 होगी, तो जब 51,200 होगी तो क्या होगा, तो 51,200 × 100 ऐसा। ये देखो कभी भी कैसे करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं तो ये दोनों यहां और इधर वाला अपॉन में आता है, सिंस देयरफॉर में हमेशा ऐसे ही होता है, ध्यान रखना आपने किया बचपन में, ठीक है। तो यहां से एसी का प्राइस आ गया, वैसे हमने इधर क्या करा, एक्स सपोज कर, मुझे एक्स ज्यादा अच्छा लगता है, आपको क्या पता क्या अच्छा लगता है, एक्स अच्छा लगता है या क्या अच्छा लगता है मुझे बता दो। हाँ कल सर्कल ले लेंगे बेटा, माय पेरेंट्स लाइक योर टीचिंग, थैंक यू, बोलो मम्मी पापा को। आप सबको बता दूं मैं कि गंगापुर रोड नासिक में हमारा जो ऑफलाइन सेंटर ओपन हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और एक और चीज, जितनी ज्यादा फीस यहां के कल्चर में ली जाती है, जो नासिक का पैटर्न है उससे हमारी फीस बहुत कम है। जो फीस बड़े बड़े क्लासेस में ली जाती है उतने में हमारे यहाँ 2 से 3 बच्चे पढ़ लेंगे, हमने इतनी फीस रखी है। तो विदाउट एनी टेंशन आप लोग जो है हमारी क्लास को आकर एडमिशन ले सकते हो और अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, आपका एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, ये तो इस तरह से हो गया। चलो अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं वहीं पर जहां हम थे, वहीं पे ले चलते हैं आपको जहां मैंने आपको लेके गया था, यहां पर। तो ये है हमारा इसको करने का प्रकार, देखो यहां पर एक्स के प्रकार से करके रखा बंदे ने, यहां जो करके रखा है भाई, ये कैसे करके रखा है, ये एक्स के प्रकार से करके रखा है। देखो इसने एक्स लेके किया, जो मैंने किया था वही किया है, ये ₹40,000 एसी का प्राइस आ गया। 40,000 अगर दिख नहीं रहा है, दिख रहा है 40,000, बड़ा कट्टू कट आया यार, 40,000 दिख रहा है, दिसता है, अरे दिसला गबाई दिसला, आम्ही लांब राहतो। आता बघा बेटा, माझं काम आहे तुम्हाला सांगायचं, तुम्ही कसे पोहोचू शकता ते तुमचं काम आहे, मी माझ्यापरीने प्रयत्न करतोय तुमच्यापर्यंत सर्व काही पोहोचवण्याचं, आता तुमचं काम आहे की तुम्ही आमच्यापर्यंत कसे पोहोचता, ठीक आहे ना। हां उद्याचा टाइम आपण काय करू, उद्या 12:30 किंवा 1:00 किंवा 12 वाजेला शुरू करू, म्हणजे 4 तास जरी चालला तर 4 वाजेपर्यंत संपून जाईल, कारण उद्या सकाळी एक माझा एक 12th साठी माझा एक सेशन होणार आहे उद्या मी भौतिक प्रॉबेबिलिटी उद्या 12th साठी घेणार आहे, तो उद्या प्रॉबेबिलिटीचा टेस्ट जो आहे प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ते उद्या सकाळी मी लावणार आहे, तर उद्या प्रॉबेबिलिटी होऊन जाईल सकाळी, आणि जे आहे दुपारी तुमचं हे होऊन जाईल, म्हणजे उद्या 8-10 तास शिकवायचं आहे मला, संडे आहे ना फुल एनर्जी के साथ। बच्चे पतंग भी उडाएंगे कल, पतंग भी उडाना है, रुकना मत, दोपहर में लूंगा मैं क्लास, सुबह पतंग उड़ा लो तुम लोग, सुबह पतंग उड़ा लो 12 बजे तक, फिर धूप बढ़ जाएगी फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा भाई, 40,000 के ऊपर 28% लगा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक और प्रकार है, आपको 51,200 दिया है ना, दूसरा प्रकार बताता हूं मैं आपको, 51,000 देखो टोटल वैल्यू क्या देके रखी थी आपको, आपको टोटल वैल्यू देके रखी थी, आपको टोटल वैल्यू देके रखी थी 51,200, ठीक है, और आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या आया था, आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या आया था, टैक्सेबल वैल्यू आया था ₹40,000, और ये हो गया आपका 11,200, तो ₹11,200 आपको। अभी देखो आप ऐसा निकालो या ऐसा निकालो, बात तो एक ही ना यार, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका जीएसटी आ जाएगा। ये आपने क्या निकाल लिया यहां पर, ये आपने यहां पर आपका जीएसटी निकाल लिया, इतना जीएसटी देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या होगा, इसका आधा जो जीएसटी है उसका आधा कर दो। सीजीएसटी अगर पूछा आपसे किसी ने और आपसे किसी ने एसजीएसटी भी पूछा तो आपको क्या करना है, 11,200 को 2 से डिवाइड कर देना, तो ₹5,600 आपको इधर देने का है ना, हो गया काम। और फिर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पूछा है तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी तो यही आगे नीचे है, ये तो ऑलरेडी देके रखा है। फिर क्या हो गया, ये हो गया,
और अगला वाला इसका क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये क्या अगला वाला जो भी है वो पूछता है इसी जीएसटी, और अगला क्वेश्चन पूछता है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी आप ऐसे निकाल लो जैसे दिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बाबा प्रसाद का सवाल आ गया, प्रसाद परचेज द वॉशिंग मशीन। यार देखो अभी 7 बज गए और पहली एक्सरसाइज चल रही है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। हमारे साथ ये होता है, हम बहुत डिटेल में जाते हैं ना, टाइम लगता है, चीजें बहुत अच्छी होती है। मेरा कल प्रीलिम है, कुछ नहीं समझ रहा है। आर्यन कल संडे है, कल कहां से तेरा हो रहा है? एक रिक्वेस्ट है सर, क्या आप बता सकते हैं कि मैथ्स की स्टडी कैसे करें, क्या टाइम में कॉमन टेस्ट आ रहे हैं? मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा कल के लाइव सेशन में, क्योंकि अगर मैं अभी बातें करूंगा तो पढ़ाएगा कौन तुमको, ठीक है ना। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र गुड्स, डिस्काउंट ऑन 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी वॉज 28%, ओके रेट ऑफ जीएसटी 28% है। देखो क्या क्या चीजें हैं, डिस्काउंट 5% दिया है, प्रिंटेड प्राइस 40,000 है, वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, इसका 40,000 का 5%, 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 होगा, तो 5% 2,000 हो जाएगा, तो 2,000 डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट कितना आएगा, 2,000 आएगा। रेट ऑफ जीएसटी, अब 2,000 का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा, ये 38,000 का हो जाएगा। क्या वॉशिंग मशीन की कीमत 38,000 हो जाएगी, 38,000 के ऊपर आपको 28% जीएसटी कैलकुलेट करना है एंड फाइंड द परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस क्या होगी, 38,000 के ऊपर आप 28% जीएसटी निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे, है ना। आपको क्या करना है, 38,000, देखो आपको डिस्काउंट कितना देके रखा है, आपको डिस्काउंट दिया है 5%, ठीक है ना। तो किसके ऊपर टोटल डिस्काउंट कितना होगा, टोटल डिस्काउंट काउंट करोगे तो कितना होगा, 5% ऑफ 40,000, तो 5% का 100 और 40,000 का 40,000, 20 से 20 कट गया, तो 2,000 रुपये आपका डिस्काउंट आ रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी भैया, 40,000 में से 2,000 माइनस कर दो तो 38,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू होगी। और फिर आपको जीएसटी निकालना है, तो बोलता है रेट ऑफ जीएसटी 28%, फाइंड अ परचेस प्राइस। आपको परचेस प्राइस निकालना, तो पहले आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा और जीएसटी होगा 28% ऑफ 38,000। ये निकालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, किसको, टैक्सेबल वैल्यू को और जीएसटी को। तो टोटल प्राइस कितनी आएगी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, आपको यहां पर टैक्सेबल वैल्यू लिखना है, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी करना है, इससे आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। और फिर बोलता है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ द सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये 28% जो आप 38,000 का निकालने वाले हो उसका आधा कर देना, तो सीजीएसटी उसका आधा कर देना, तो एसजीएसटी। देखो कितना सिंपल था, 5% था प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, तो प्रिंटेड प्राइस 40,000 रुपए थी, 5% 40,000 का, 40,000 का 5%, तो 5/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 40,000, 20 से 20 कट गए, 400 × 5, तो 2,000 रुपए जो है डिस्काउंट दे दिया, किसके ऊपर, 40,000 पे 2,000 डिस्काउंट दिया, 40,000 पे 2,000 डिस्काउंट दिया, मतलब कितने का हो गया वो, 38,000 का हो गया, ये 38,000 का आपका वॉशिंग मशीन हुआ। जीएसटी आपको अब 38,000 पे देना है, 40,000 पे नहीं देना है, तो 38,000 का आप 28% जीएसटी निकालोगे और वो कैलकुलेट कर लोगे, वो जो आएगा उसका आधा आधा कर देना, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू निकाली है इसको आपको प्लस कर देना है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको प्लस कर लेना है, और यहां पर ये टोटल वैल्यू जो है ना, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को ऐड कर देना, तो दो आंसर निकलेंगे। ये निकालने के बाद में इसका आपको क्या करना है, इसका हाफ आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जब आप निकालोगे तो हाफ ऑफ जीएसटी कर देना, यू विल गेट द आंसर। अब इसी को सॉल्व करके यहां पर दिया है, देख लो जरा कैसे दिया है, 2,000 रुपए निकाला, 38,000, ये मैंने करके रखा वहां पर। उसके बाद में ये देखो 28% जीएसटी सीजीएसटी निकाल लिया, इतना 14% इसका निकाला है, तो जीएसटी कितना आया, सीजीएसटी एसजीएसटी 5,320 रुपए आया, ठीक है। और आगे कैलकुलेट करें तो पूरा वॉशिंग मशीन ये पूरा आके रखा है, तो ये जो मैंने करके रखा है मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो मैंने करके रखा है उसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये आपका टोटल सॉल्यूशन हो गया, जो मैंने निकाल के दिया वही है, यहां तक मैंने करके दिया था, उसके बाद 14% निकाला सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो आपके ऊपर कैसे आप करते हो, या आप ऐसा करो या पहले जीएसटी निकाल लो, है ना, ये किताब में बढ़ा चढ़ा के दिया होता है कभी कभी, है ना, आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, तो आपको ऐसे निकालना, आप ऐसे करो या जैसे मैंने बताया वैसे करो,
देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब चलो क्वेश्चन चेक कर लेते क्या आएगा। इफ द फॉर्मेट ऑफ द जीएसटी, इन द फॉर्मेट ऑफ द जीएसटी आई एन, ओके जीएसटी आई एन के फॉर्मेट में 15 अल्फाबेट्स हैं, इट इज इंक्लूडेड डैश डिजिट्स ऑफ पैन कार्ड, पैन के कितने नंबर होते हैं कमेंट करके बताओ, पैन के कितने नंबर होते हैं सर, प्लीज स्पीक इन हिंदी। तो अभी क्या बोल रहा था मैं YouTube कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा। टेन, बहुत बढ़िया, टेन इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर टेन है। अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ जीएसटी ऑन द लग्जरियस आइटम 28% होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, लग्जरियस चीज जहां लग्जरी आ गई वहां 28% हो गया। स्टेट वेदर द गिवन आर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहला वाला है द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द स्टेनलेस स्टील इज 18%, तो रेट ऑफ स्टेट इज 36, ऐसा कैसे होगा 36% टैक्स किधर ही नहीं है, ये फॉल्स है, है ना। आपको जीएसटी निकालना होगा तो 9% होगा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूड जीएसटी इज दिस, एसजीएसटी अप्लाइड द एसजीएसटी इज दिस, देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन। देखो एसजीएसटी एप्लीकेबल इज दिस, इसके अंदर जीएसटी है, आपको क्या करना है इसका डबल करना है और उसमें से माइनस करना है, तब जाके आपकी वैल्यू आएगी, है ना। आपको क्या करना है इसका डबल कर लिया तो ये टोटल जीएसटी आ गया, है ना। जितना एसजीएसटी उतना ही सीजीएसटी है, तो एसजीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी ले लिया, वो है आपका 1568, ये भी 1568, तो टोटल 3100 ये हो गया। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए ऐसा फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू माइनस जीएसटी। एक्चुअली कुछ नहीं है ये, आप जानते हो ना कि टोटल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, वो होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ऐसा होता है ना। तो अगर मुझे टैक्सेबल वैल्यू की वे निकालना है तो मैं इसको इधर से माइनस कर दूंगा, तो इसने क्या किया टोटल में से जीएसटी को माइनस किया तो टैक्सेबल वैल्यू आया, बात तो एक ही है, घुमाना इधर उधर कुछ है नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन देके रखा है यहां पर क्या बोलता है कि दीप्ति बॉट अ टी फॉर 7500, शॉपकीपर गिव द डिस्काउंट ऑफ द 750, 7500 के ऊपर 750 का डिस्काउंट दे दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 6750, ठीक है। जीएसटी चार्ज इतना है, 6750 के ऊपर 337 रुपये प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला, 7500 में से ये देखो ये माइनस कर लिया और ये प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया इतना, दिख रहा है आपको, इज इट विजिबल, दिख रहा है, दिस्ते। लव यू टू बेटा, गॉड ब्लेस यू सर। हर एक्सरसाइज सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट करा दो बाकी आसान। देखो बेटा प्रॉब्लम सेट को बता दूं मैं तुमको कि प्रॉब्लम सेट किसके दो है, तो हम दोनों प्रॉब्लम सेट को करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास में उसको हम एक अलग सेट में करेंगे, इसमें नहीं होगा वो। इसकी चार एक्सरसाइज बेटा, पहली एक्सरसाइज चल रही अपनी, देखो क्या बोलता है, किसके ऊपर जीरो है, तो जीरो प्रिंटर के ऊपर कितना है, मोटरसाइकिल के ऊपर कितना है और सॉल्ट के ऊपर कितना है। तो देखो पहले वाला जो है प्रिंटर के ऊपर जो है 18% आएगा, सॉल्ट के ऊपर 0% आएगा और मोटरसाइकिल पे 28% आएगा, है ना। लग्जरियस आइटम है ये। प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है, द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ट्रेडिंग विद इन द स्टेट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाता है वो सीजीएसटी लगाता है, ठीक है, कितना क्या लगाता है, सीजीएसटी लगाता है, ठीक है ना। पवन मेडिकल सप्लाइज द मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द सीजीएसटी। ये 2020 में आया है, ये 2019 में आया है, ये 2020 में आया है, एक मार्क का क्वेश्चन। तो क्या होगा यहां पर, ये बोलता है सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, 12% है, तो आधा आधा कर दो, 6% 6% हो जाएगा दोनों, है ना। ये कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा, 6% ये भी हो जाएगा और 6% ये भी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, रिटेलर सोल्ड टू टीन्स ऑफ द लग्जरी पेंट विद द टैक्सेबल वैल्यू, ओके एंड टैक्सेबल वैल्यू 2800 रुपए दिए,
सीजीएसटी एसजीएसटी, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले, ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये भी तुमको कर लेना है, पहले आ चुका है लस्टर पेंट वाला क्वेश्चन। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेंज, ट्रेडिंग चेंज की जीएसटी समझ लो, क्या होता है कि जब आप जीएसटी स्टार्टिंग हुआ सिस्टम, तो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी देना होता है, होलसेलर को भी जीएसटी देना होता है, रिटेलर को भी देना होता है, और कंज्यूमर को भी देना होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको इधर समझाता हूँ, है ना, मैं आपको इसको यहाँ पे समझाता हूँ सही तरीके से। क्या है कि मेरे पास में कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, मैं इनको ले लेता हूँ इधर, थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर पहला बिजनेस वन है, या उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोले हम बुक के हिसाब से, यहाँ जो है, एक मिनट रुकना, देखो ये कंडीशंस ऐसी है, ये एक दूसरे से चीजें खरीदते हैं, यहां पर कस्टमर है, यहां कस्टमर है, यहां पर मैन्युफैक्चरर है ना, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर है, एक मिनट रुको, यहां होलसेलर है, यहां होलसेलर है, यहां रिटेलर है ना, यहां होलसेलर है, और ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब चीजें, जब जीएसटी होता है, जब जीएसटी की बात होती है, तो कोई भी चीज के ऊपर आप जब चीज खरीदते हो, वो चीज किस स्लैब में बैठती है, तो ये बंदा क्या करेगा, होलसेलर जब इससे खरीदेगा, होलसेलर जब बाय करता है, होलसेलर जब बाय करता है, तो बाय करने के साथ साथ जो प्राइस होती है, उस प्राइस के साथ साथ वो कुछ जीएसटी देता है, वो क्या करता है, वो जीएसटी इसको देता है, ये इसको जीएसटी देता है, जो भी जीएसटी देता है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां से पैसा जाता है, क्या होता है, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी होती है। देखो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो ये जो जीएसटी इसको दिया, पूरा का पूरा जीएसटी इधर दे देता है, ये पूरा का पूरा जीएसटी दे देता है। अब ये क्या करता है, ये चीज इधर सेल करता है, ये चीज इसको कोई सेल करता है रिटेलर को, रिटेलर भी इसको जीएसटी देता है। तो देखो, इसने यहां जीएसटी दी होती है, इसने जो यहां जीएसटी दी होती है, इसका नाम होता है इनपुट टैक्स, इसको इनपुट टैक्स कहते हैं, जो यहां जीएसटी देता है, और ये जो इधर से जीएसटी जमा करता है, इससे लिया है, तो उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है ना, इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। मतलब ये क्या करता है, समझ लो कि इसने यहां पर 100 रुपए दिए, और इधर इन्होंने 120 रुपए लिए, तो ये क्या करता है, 100 रुपए इसने इधर दे दिए, तो अब ऑलरेडी 100 रुपए दे चुका है, और इसने 120 ले ली, तो इसके पास तो 20 रुपए ज्यादा आ गए, तो ये 20 रुपए सरकार को दे देता है। और कैलकुलेशन कैसा करता है, ये ऐसा लिखता है जीएसटी पेएबल, ऐसा लिखता है जीएसटी पेएबल बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। एक्चुअली इनपुट टैक्स को इनपुट टैक्स नहीं बोला जाता, उसको आईटीसी बोला जाता है, इनपुट टैक्स जो होता है ना, उसको इनपुट टैक्स नहीं बोलते हैं, हालांकि बोलते समय इनपुट टैक्स बोलते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं, तो उसको आईटीसी बोला जाता है, उसको बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसा उसका नाम होता है। तो ये आईटीसी बोल के ये फॉर्म करते समय आईटीसी लिखेगा, और ये 120 में से 100 माइनस करेगा, तो ये 20 रुपए सरकार को दे देगा। अब इसने क्या किया, 120 रुपए इसको दे दिया, अगर समझो इसने कस्टमर से 140 रुपए लिए हैं जो भी प्राइस के जीएसटी, तो इसने 120 तो इधर दे दिए, तो फिर ये बचा हुआ 20 रुपए सरकार को दे देगा, ठीक है ना। और क्या होगा, ये यहां पर इस तरह से कैलकुलेट होता है जीएसटी, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं वहीं पर जहां पर हम थे, तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर, ठीक है। यहां सपोज द, ये पूरा डिटेल देके रखा, मैं इसको नहीं बता रहा हूं आपको अब, ठीक है ना, मैं इसको नहीं बता रहा हूं, देखो। ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी एंड होल्डर्स इज बिजनेस टू बिजनेस, मतलब क्या होता है कि जो अभी मैंने यहां पर आपको बताया, ये जो इनके बीच जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये बी टू बी हो रहा है,
ये ट्रेडिंग जो हो रही है बी टू बी हो रही है, और ये जो ट्रेडिंग हो रही है बी टू सी हो रही है ना, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस करने वाला ये भी है, ये भी बिजनेस करने वाला है, तो ये बी टू बी हुआ, और ये बिजनेस टू कस्टमर है तो बी टू सी हुआ ही, इसको इस तरह से बताया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, व्हेन द ट्रेडर पेज जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदते समय जो जीएसटी पे करेगा उसको इनपुट टैक्स कहता है। व्हेन द ट्रेडर पे कलेक्ट्स जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। इसी इनपुट टैक्स को आईटीसी भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रही बात? मारी बात है, समझ में आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर जी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सीजीएसटी एसजीएसटी को डिवाइड करता है क्या? हाँ बेटा, ये पहुंच जाता है सरकार के पास में, फिर वो बाकी का स्टेट को उनका उनका जीएसटी दे देती है हर साल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी, जीएसटी पे करने के टाइम पर टू द गवर्नमेंट, ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एंड पेज द रिमेनिंग जीएसटी, जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, और उसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो फार्मूला भी ऐसा लिखा जाता है, ध्यान से देखो। देखो जीएसटी पेबल बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे ही होता है, ये सबको आता है। सर मोटिवेशन वीडियो बनाया उस स्टडी के ऊपर, ओके। अच्छा यूनिस, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वो भी आएगा। यूनियन टेरिटरी जीएसटी पे होता है, जहां जो स्टेट नहीं है वो यूटी जीएसटी यूज करते हैं ना, जैसे चंडीगढ़ है, दादर है, दमन है, दीव है, ये क्या करते हैं, ये यूटी जीएसटी यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। आई जीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटर स्टेट के बीच में ट्रेडिंग होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है, तो जब दो स्टेट के बीच में ट्रेडिंग होता है तो उस केस में इसको देखते हैं कि व्हेन द ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स, तो जीएसटी इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज कॉल्ड द आईजीएसटी, ओके। इसको बोलते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी तो ये स्टेट से वो जीएसटी स्टेट के अंदर सेलिंग हो रहा है, लाइक आपने पंजाब से कुछ खरीद लिया तो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, यहां पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट दैट, कभी भी क्या होता है जब इस तरह के कोई व्यवहार होते हैं तो इस केस में जो पहला प्रेफरेंस होता है वो आईजीएसटी का पूरा पहले पे करना होता है फॉर टेकिंग क्रेडिट ऑफ द आईजीएसटी। टेकिंग क्रेडिट कब लेंगे आप? लाइक मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने पंजाब से कोई चीज खरीदी है, तो जब मैं पंजाब से कोई चीज खरीद रहा हूं तो मैंने जीएसटी जो पे किया मैंने आईजीएसटी पे किया, तो उस केस में जब मैं अपना क्रेडिट लेना चाहूंगा तो मैं यहां पर क्लियरली मेंशन है कि द टेकिंग क्रेडिट, फॉर टेकिंग क्रेडिट ऑफ द आईजीएसटी फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू पे द लायबिलिटीज ऑफ द आईजीएसटी एंड देन सीजीएसटी एंड द रिमेनिंग अमाउंट कैन बी एक मिनट बेटा। एक मिनट रुको। चैप्टर जिसने वीडियो स्टार्टिंग से देखा उसको पता है कि इसको कितना वेटेज है। कंपोजिशन स्कीम, जीएसटी जीएसटी आयन होल्डर हुज एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख टू 1.5 करोड़ दे पे सीजीएसटी एसजीएसटी विद द स्पेशल रेट्स। जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है वो स्पेशल रेट से सीजीएसटी एसजीएसटी पे करते हैं। चलो पढ़ते आगे। चेतना स्टोर का क्वेश्चन आ गया, पेड टू जीएसटी। देखो चेतना स्टोर ने जीएसटी पे किया,
चेतना स्कोर पेड टू जीएसटी दिस एट द टाइम ऑफ परचेस ओके एंड कलेक्टेड जीएसटी फॉर दिस एट द टाइम ऑफ सेल. तो यहां पर आउटपुट टैक्स क्या हुआ, आउटपुट टैक्स क्या हुआ, आउटपुट टैक्स हुआ 122,500 और इनपुट टैक्स क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्या हुआ 105,000. तो क्या बोलता है ये बोलता है कि फाइंड द जीएसटी पेएबल. तो जीएसटी पेएबल क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो. ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऐसे नहीं होता, ऐसे मत करना आप. ये जीरो, ये दो दो, 22,000 पे करना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा. आपने ये लिखा ना, इसके बाद में जीएसटी पेएबल का फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको. क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पेएबल का फार्मूला लिखना. जीएसटी पेएबल क्या होगा, वो जीएसटी पेएबल होगा दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो 122,500 में से 125,000 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये. ऐसा निकालने का है, बहुत सिंपल है. ये देखो सॉल्व करके दिया है जीएसटी पेएबल बाय दिस. हमने इतने समय किया, इसने ऐसे किया है. चलो बढ़ते आगे. आमिन इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट्स सॉस बोटल्स एंड पेड जीएसटी दिस ओके एंड ही सोल्ड दोज बोटल्स टू द अकबरी एंड कलेक्ट जीएसटी दिस एंड माय फूड कॉर्नर परचेसेस द बोटल अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी दिस. फाइंड द अमाउंट जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज. भैया मेरे थोड़ा समझ लो बात को कि यहाँ पर क्या कमाल की चीज़ है. सबसे पहले आमिर इंटरप्राइजेस है ना, मैं थोड़ा सा इसको यहां से इरेज कर देता हूं. देखो एक है आमिर इंटरप्राइजेस, फिर आमिर इंटरप्राइजेस के बाद में अगला वाला क्या है, अकबरी ब्रदर्स, और एक अगला वाला जो है वो मयंक फूड कॉर्नर है, ठीक है ना. ये अमीर एंटरप्राइजेस परचेज द बोटल सॉस बोटल्स एंड पेड जीएसटी. इस भाई ने कितना जीएसटी पे किया है, इस भाई ने 3800 रुपए जीएसटी पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेस. ही सोल्ड दोज बोटल टू अकबरी ब्रदर्स और इसने इससे कितना जीएसटी लिया है, 4100 लिया है ओके एंड फाइंड. और इसने इससे कितना लिया अकबरी ब्रदर्स ने, अकबरी ब्रदर्स ने किसको बेचा, मयंक फूड कॉर्नर को एंड दीज बोटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड दिस और इसने इसको कितना दिया है, 4500. यार देखो इतना चिंदी क्वेश्चन है ना, हर स्टेज के ऊपर आपको जीएसटी निकालना है. तो यहाँ तो जीएसटी पेबल निकालने की जरूरत है आपको, अकबरी और मयंक के ऊपर निकालनी है. तो कैसे निकालोगे, यहाँ दिख रहा है क्लियर कट कि यार यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4100 में से 3800 रुपये जाएगा तो जीएसटी पेबल यहाँ कितना आएगा, 300 रुपये आएगा. और यहाँ से यहाँ कितना है, इससे इसमें 4500 में से 4100 माइनस हो जाएगा तो यहाँ जीएसटी पेएबल कितना आएगा, जीएसटी पेएबल शब्द यूज़ करना है बेटा क्योंकि ये पेएबल है, बचा हुआ पे करना है. जीएसटी पेएबल होगा ये और ये क्या होगा, ये 400 रुपये होगा, ठीक है ना. अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रखा है. डेली लाइव टाइमिंग है 6 से 6:30 के बीच में शुरू होता है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन दी ये तो ये देखो इन्होंने सॉल्व करके रखा अमीन एंटरप्राइजेस का. ये आया, ये क्या बोलता है, सीजीएसटी एसजीएसटी पूछता है तो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी भी बता दो. यहाँ सीजीएसटी कितना होगा, ये 150 होगा और ये भी 150 होगा और ये कितना होगा, ये 200 होगा और ये भी 200 होगा. ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी, ठीक है. ये आ गया इसका और अगली कंडीशन इधर आ जाएगी है ना, 200 रुपये पे कर रहा है, ठीक है. इस तरह से करना है. देखो मैंने शॉर्टकट में बताया आपको, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रखा है. आपको स्टेप बाय स्टेप करना है कि भैया इतने का आउटपुट टैक्स फिर इनपुट टैक्स ये होगा. पहले वाली कंडीशन लेना नहीं है, आमिर को लेना नहीं क्योंकि आमिर ने दे के मोकला हो गए. आमिर के पहले कोई दिया होता तो अपन आमिर के लिए भी निकालते हैं, ठीक है ना. तो आमिर के, आमिर इंटरप्राइजेस के लिए तो जो था है ना, फॉर आमिर इंटरप्राइजेस यहीं से लेना है. आमिर इंटरप्राइजेस का लेना है और अकबरी ब्रदर्स का लेना है, मयंक फूड कॉर्नर का लेना नहीं है. आमिर के लिए ये था है ना, आमिर के लिए ये था और ये अकबरी इसके लिए था. एक मिनट रुको, ठीक है बिल्कुल ऐसे जमा के लिख लेना. क्या है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्या इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, ठीक है.
और ये वही हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 300, सीजीएसटी एसजीएसटी 300 का आधा 150, और अकबर ब्रदर्स का वैसे ही है। समझ में आ रहा सबको? मोटिवेशन वीडियो बनाएंगे बेटा। मेरी राय अच्छी है बेटा आरसीसी के बारे में। ये देखो इसने यहां पर बना के दे दिया डब्बा, डब्बा बना लो। जीएसटी पेबल 300 अकबरी ब्रदर्स का, जीएसटी पेबल सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसा। चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखिए रखा है प्रिपेयर अ बिजनेस कंज्यूमर टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन राइट द सप्लायर नेम। तो सप्लायर नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हो है ना। मोबाइल बैटरी है 200 रुपए की, रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो 200 का 12% 24 रुपए हो जाएगा। तो इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 200 रुपए और इसका 12%, 200 का 12% 24 रुपए, तो 224 रुपए का पड़ेगा ये। और 750 का 18% है ना, 750 का 1% कितना होगा? 7.5 रुपये, 7.5 रुपये। और अगर हम 20% की बात करें तो 150 रुपये होगा, 150 में से 15 कम कर दो, 135 रुपये इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसको 135 रुपये जीएसटी लगेगा। देखो मैं इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ। तो देखो पहले अपन इसका निकालते हैं, 200 रुपये के ऊपर सीजीएसटी 6%, ये 12, तो दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी 12-12 रुपये लग गए, 12-12 रुपये लग गए, तो कितना हो गया? 14 रुपये हो गया टोटल। और रेट ऑफ हेडफोन्स ऐसे हैं, देखो 67.50 रुपये लग रहे हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, 67.50 रुपये लगे हैं? डबल करो जरा 67.50 के, 67.50 का डबल करो, ये 0, ये 0, ये 1, 15 की 5 हाथ का आया 1, 6 दूनी 12 13, देखो 135 रुपये आ रहा है, आ रहा ना 135 रुपये, हो गया जी, हो गया सॉल्व है ना। और ये हमने बना के दे दिया ऐसा, ये वैल्यूज पुट कर दी सारी की सारी। ये जो जितना लिखा था ना, ये जो हमने सॉल्व किया था, वो सारा का सारा हमने पुट कर दिया इधर। देखो इधर ये जो हमने निकाला था पूरा, इसको उसने बॉक्स में लिख दिया इधर। ये आपको आता है सबको, कर लोगे आप? टैक्स इनवॉइस निकालने के लिए आई डोंट थिंक आएगा, आएगा तो आपको जीएसटी पूछेंगे, एसजीएसटी पूछेंगे। वो जो क्वेश्चन हमने किया ना एसी वाला, जो 51,200 वाला, मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है यार, वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। सीधा सीधा पूछना होगा तो 1-2 मार्क का पूछेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना, वैसा क्वेश्चन हॉट्स में आ सकता है। वो जो क्वेश्चन हमने किया है ना, वैसा क्वेश्चन वो हॉट्स में पूछ ही सकते हैं, मतलब उनका चांस लगता है मेरे को कि वो पूछ रहे तुमसे है ना, उस तरह का क्वेश्चन वो हॉट्स में पूछ सकते हैं। तो तैयारी रखना अपनी हॉट्स में वैसे क्वेश्चन करने की। चलो बढ़ते हैं आगे, ये वही क्वेश्चन है, इसको तुम करो। यहाँ पर भी आपको जीएसटी इनवॉइस ही बनाना है, वैसे ही जीएसटी इनवॉइस बनाना। आपको क्या करना है, जो प्राइस दे के रखी है 20 रुपये दे के रखा है रेट, आपको क्या बता रहा है? देखो क्या बता रहा है कि प्रिपेयर अ बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस फॉर द डिटेलिंग दिस, और आपको सप्लायर दे के रखा है, एड्रेस दे के रखा है, डेट सब लिखना है। ओके पेंसिल बॉक्सेस है 100, 20 रुपये का एक है, 12% लगना है। 100 पेंसिल बॉक्सेस है तो एक पेंसिल बॉक्स 20 रुपये का है, तो 100 2000 के हो जाएंगे, 2000 का 12% 240 रुपये हो जाएगा। 2000 का 12% कितना होगा, क्योंकि 2000 का 10% 200 रुपये होता है, ठीक है, तो 240 रुपये यहाँ जीएसटी हो जाएगा। इस केस में 240 रुपये जीएसटी होगा। सॉल्व करके देखोगे ना, ऐसे निकाल के देखोगे ना कि 12% ऑफ 2000, तो 12/100 इंटू 2000, तो ये आपका 240 रुपये आएगा बेटा, ठीक है ना। और 100 रुपये 12% तो 12 रुपये होता है, लेकिन ये 50 है, 5000 का देखो ये 50 इंटू ये, तो मतलब क्या बोल रहा है, जिक्सो पजल जो है 50 लिए हैं, एक का रेट 100 रुपये है, तो 5000 होगा, 5000 का 12% 600 रुपये होगा, ठीक है। तो निकाला इसने देखो पहले केस में कि 20 का 100 तो 2000, 2000 का 6% निकाला है। ये हमेशा क्या करता है, सीजीएसटी एसजीएससी ही निकाल रहा है, तो वैसे आप निकालो तो भी चलता है। सीजीएसटी 6% निकाला, 120, एसजीएसटी 120, तो टोटल जीएसटी कितना हो गया, और वैसे इसका निकाला। ऐसा क्यों करते हैं, जब भी आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकालो। उसका कारण क्या है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस के अंदर हम सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन करते हैं, है ना, डायरेक्ट जीएसटी नहीं लिखते, तो डायरेक्ट जीएसटी नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहां क्या किया कि एक पेंसिल, 100 पेंसिल के बॉक्स लिए, एक पेंसिल का बॉक्स 20 रुपये का है, टोटल 2000 के होंगे, 6% 2000 का, तो 6/100 इंटू 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉरी यहाँ का कहाँ कट गया भाई,
ये कौन सा कट गया, पीछे वाला काटेंगे, बोलो कौन से जीरो काट दिए, तो 6 × 6 × 20 आएगा यहाँ पर, तो 6 × 20 आपका 120 हो जाएगा, जितना CGST उतना SGST आएगा। कॉस्ट ऑफ जिसका कितना होगा, ये 5000 रुपये होगा, 6% है 5000, तो 6/100 × 5000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 6 × 50 आपका कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 300 रुपये हो जाएगा, 300 आ गया, तो CGST SGST। अब आपको क्या वो पूरा टेबल बना के उसमें भर देना उसको, ये ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है, ये सब मैंने इसके लिए करके रखा है कि भैया यहां पर थोड़ा सा इशू ऐसा है कि सब अगर मैं लिखते बैठता तो ये भी 3-4 घंटे में जाता, इसके लिए छाप के रखा है आपके लिए, वन शॉट थोड़े फास्ट होना चाहिए, इसके लिए सब ये करके रखा है। 72 मिले बेटा, 90 से ऊपर आएंगे 100%, तेरे को 90% पक्का आएगी, चिंता मत कर। हो गया, एक कमेंट करो सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज ये टेबल बना लो। आज 12th नाना बच्चा, कल सुबह अपन प्रोबेबिलिटी का वन शॉट ले रहे हैं, तैयारी में रहना, कल सुबह 9 बजे के आसपास अपन प्रोबेबिलिटी का वन शॉट लेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, चेक योर ग्रास्प। दर्शन एक मिनट, दर्शन एक मिनट, इधर आना, इसका आंसर दो बच्चों। हेलो बच्चों, आ गया वापस में, आई एम बैक। कंपनी प्रोवाइड्स एसी क्लीनिंग सर्विसेज फॉर, एक मिनट यार, बच्चों एक मिनट रुको, थोड़ा सा थोड़ा एक मिनट दो मुझे, हाँ बच्चों एक्चुअली क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था एक जिसको मुझे अटेंड करना ही पड़ा, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं करता, पढ़ाते समय कोई इसमें ही नहीं चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। क्या आया आंसर इसका, कमेंट किया किसी ने, किसी ने कमेंट किया इसके ऊपर, चलो बढ़ते हैं आगे। आउटपुट टैक्स पूछ रहा है 18% GST, इसका 18% GST निकाला, आउटपुट टैक्स निकाला तो ये आएगा इतना, ठीक है ना। चलो, अ कंपनी प्रोवाइड्स एसी क्लीनिंग सर्विसेज टू द टैक्सेबल वैल्यू दिस एंड द जीएसटी रेट इज 18%, कंपनी पेड जीएसटी इतना फॉर इक्विपमेंट्स, व्हाट इज द आउटपुट टैक्स। 18% आपने निकाला 56,000 का, 10,000 ये आया। वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इफ द आउटपुट टैक्स इज दिस, आईटीसी इज दिस,
देन अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, 14,750 में से 12,500 माइनस कर देना, तो 50 + 2 = 2,250 आएगा, आ गया 2,250। आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स, तो आईटीसी हो गया 12,500, जीएसटी पेबल आउटपुट में से आईटीसी कर लिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होना है, सिर्फ और सिर्फ बुक के नहीं होना है, एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये ट्रू फॉल्स बताना है। ये बोलता है ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटी आई एन होल्डर टू द कंज्यूमर इज नोन एज B2C, सही है कि नहीं? बिल्कुल ट्रू है यार, ये सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। सनी इंटरप्राइजेस परचेजेस यार्न फ्रॉम द मार्कर, अब तुमको पता है ये बोर्ड जिसके ऊपर अपन ले रहे हैं, ये मेरा एक दोस्त है सनी, दिल्ली में रहता है, हमने सनी से ही बोर्ड लिया है। अब ये सनी जो है ये अपने मुंबई में आ गया है, मतलब ये जो बोर्ड है अपना, यहाँ का बोर्ड, नासिक का अपना, जो चोपड़ा का बोर्ड, ये जो बोर्ड है अपन ने ये सनी भैया से लिए हैं, तो सनी का नाम आ गया, मुझे सनी याद आ गया। तो सनी इंटरप्राइजेस परचेसेस यार्न फ्रॉम मार्केट पेइंग जीएसटी 1,250 एंड सोल्ड रिया टू फॉर कलेक्टिंग जीएसटी दिस। विक्रम ब्रदर पेड रिया इंटरप्राइजेस जीएसटी दिस, देन फाइंड द टैक्स पेड बाय द रिया इंटरप्राइजेस। रिया इंटरप्राइजेस कितना टैक्स पे करेगा, पेएबल निकालना है। तो रिया ने यहां पर जो था 2,500 पे किया था, यह आईटीसी हो गया, और 3,650 जो हो गया आउटपुट हो गया, आउटपुट में से इनपुट माइनस करो तो 1,150 आएगा आंसर, 1,150 ये हो गया 1,150। ठीक है, अगली एक्सरसाइज करते हैं। आगे देखो, दो एक्सरसाइज हमारी हो गई है। श्री स्वामी समझ बेटा, चलो शेयर्स क्या होता है, जो कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी, उस कंपनी के अंदर हमारा थोड़ा सा पार्ट, कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होता है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड अ कैपिटल। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लगता है उसको कैपिटल कहते हैं। शेयर क्या होता है, शेयर होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल, उस कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट। देखा जाए तो शेयर्स कुछ कंपनी के 10 रुपये के भी होते हैं, कुछ के 5 रुपये के भी होते हैं, 500 के भी होते हैं, 1,000 के भी होते हैं, और 5,000 के भी होते हैं, और 50,000 के भी होते हैं, और 1,00,000 रुपये के भी होते हैं। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्मॉलेस्ट कैपिटल होता है, और वो कंपनी की वर्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी है। तो अगर हम निफ्टी 50 चेक करते हो, इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ, तो वो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो कि क्या क्या होता है ये। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले प्रिंटेड वैल्यू दी, मतलब जो अगर आपने मार्केट से 50 शेयर खरीदे तो आपके घर पे ये शेयर सर्टिफिकेट आते थे। अब शेयर सर्टिफिकेट आते नहीं है, वो मेल से आते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए है ना, वो आपके मेल बॉक्स में पड़े रहते हैं अब, ठीक है ना। और शेयर होल्डर कौन होता है, जो बंदा शेयर मार्केट में पैसे, जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर। मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का, ठीक है, मैंने कुछ कंपनी के शेयर लेके रखे हैं, तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे उस कंपनी में जब भी इलेक्शन होता है तो मुझे वोटिंग का भी अधिकार मिलता है। अभी टाटा में कोई वोटिंग चल रहा है, टाटा में कोई वो चल रहा है, तो मुझे मेल आया था 2 दिन पहले ही कि उसको मुझे ऑनलाइन जाके वोटिंग करना है, तो वी डोंट हैव दैट टाइम कि हम जाके करें। शेयर होल्डर जो होता है बेटा, वो शेयर होल्डर उस कंपनी का पार्ट होता है, पार्ट ऑनर होता है ना। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड क्या होता है, इट इज अ प्लेस वेयर द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द शेयर्स टेक प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ होता है, जहाँ शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर मार्केट है उसका स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। बुल बताया होता है, वो देखा था तुमने स्कैम 1992, शेयर क्या कहते हैं, हर्षद मेहता बताए थे उसके अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, सब अलग अलग नाम देके रखे हैं उसको, इसको इन सब चीज़ों से जाना जाता है, ठीक है ना। फेस वैल्यू क्या होती है, जो कंपनी जब स्टार्टिंग में पहली बार सेल करती है, वो प्रिंटेड वैल्यू जो होती है शेयर के ऊपर, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। उसके ऊपर जो छपी हुई वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू जो उसके ऊपर छपी होगी कार्ड के ऊपर, वो फेस वैल्यू। और एक दूसरी होती है, और ये सबसे कम वैल्यू होती है, इट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू ऑल्सो, और इट इज कॉल्ड द प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू ऑल्सो। पार वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, और इतने सारे उसके नाम है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात आगे देख लो, मार्केट वैल्यू क्या होती है, मतलब कोई वैल्यू, कोई शेयर 10 रुपये का था लेकिन आज वो 50 रुपये का हो गया है, तो मार्केट वैल्यू उसकी आज की 50 रुपये है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये। देखो बात ध्यान रखो, अगर कोई शेयर है, एक कंपनी का शेयर है, उसके ऊपर 10 रुपये लिखा है, तो 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है ना, ये इसका फेस वैल्यू है, लेकिन मार्केट में अभी उसकी जो वैल्यू चल रही है वो 10 रुपये से लेकर के 50 रुपये का हो गया है। जैसे मैं तुमको बताऊँ, तुमको जोक सुनाता हूँ मैं,
मैंने कुछ 100 शेयर खरीदे थे, 300 शेयर खरीदे थे मैंने रिलायंस पावर के, 3.37 रुपये के, अभी वो शेयर हो गए 15 रुपये का एक शेयर हो गया। मैंने 300 शेयर खरीदे थे, एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो मैंने 1000-1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो बढ़ गया 5-7 हज़ार हो गया, वो मतलब कितना हुआ मैंने देखा नहीं पर वो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कोई भी कंपनी हर साल आपके जो आपने शेयर लेके रखे उसके ऊपर आपको कोई पैसा देती है, कोई प्रॉफिट जो आता है ना, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटती है, लेकिन वो शेयर होल्डर किस को जो प्रॉफिट देती है वो किसके ऊपर देती है? ये डिविडेंड जो है फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू, क्या होता है? डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की फेस वैल्यू के लिए होता है। बढ़ते आगे, देखो अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी है तो ये मतलब सीधी बात है, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी है, मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से बड़ी है तो हम यहां पर प्रॉफिट में होते हैं, तो इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के इसको बोलते हैं शेयर इज एट प्रीमियम। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू की कीमत एक ही हो जाए तो उसको कहते हैं शेयर एट पार, शेयर इज एट पार। ओके, पार मतलब पार वैल्यू भी बताते हैं, फेस वैल्यू की जो फेस वैल्यू उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं, मैंने इसमें पहले बताया आपको, फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी बोलते हैं, तो उसके लिए इसको बोला जाता है शेयर इज एट पार। और अगर मार्केट वैल्यू से शेयर फेस वैल्यू बड़ी हो जाए, मतलब मार्केट वैल्यू कम हो जाए, मतलब कि वो लॉस में चलेगा, तो इट इज एट डिस्काउंट, डिस्काउंट वर्ड यूज किया जाता है। देखो जब ज्यादा हो तो प्रीमियम, ज्यादा हो तो प्रीमियम, इक्वल हो तो पार, और कम हो तो डिस्काउंट। ज्यादा हो तो प्रीमियम, इक्वल हो तो पार, और कम हो तो डिस्काउंट, तीन शब्द याद रखना है, ठीक है ना। और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। कुछ भी नहीं समझ रहा है सर, ये बंदा एक कमेंट कर रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है बेटा। सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जो आपको बता रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है? चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? साइंस के भी अनश्योर होंगे, विराट कोहली जरा शांति रख बेटा, एक एक करके होगा। जितने दिन एग्जाम है तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा, बीच में कुछ ब्रेक भी लेते रहूंगा। करण, सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज कमेंट बताओ, प्लीज कमेंट करो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर जी अगर मैंने सपोज 10,000 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और सपोज मुझे ऐसा कुछ आइडिया आया कि कंपनी लॉस में है, जाने वाला है, तो क्या मैं अपना इन्वेस्ट मनी वापस ले सकता हूं? आपने जितना पैसा डाला है उसकी उस समय जो मार्केट वैल्यू होगी आपको उतने पैसे मिलेंगे। सर समझ में आ रहा है लेकिन जोश नहीं दिख रहा है, जोश के नाचू मैं? अरे यार थोड़ा थोड़ा का शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है बेटा शेयर मार्केट की बात है, आप कंपनी में पैसा डाला, चलो मैंने एक कंपनी शुरू करी, सब इसे समझते हैं, अब अपन उसको अपने पैसे समझते हैं। जैसे ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं कि यहां पर जो है कि हमने डिसाइड किया कि पवन वाघ एकेडमी का शेयर आ गया, क्या आ गया? पवन वाघ एकेडमी का शेयर आ गया, पवन वाघ एकेडमी का शेयर आ गया, ठीक है। और ये शेयर की प्राइस अपन ने स्टार्टिंग में रख दी 10 रुपये, 100 रुपये रख दी, चलो इतनी गिरी हुई हालत नहीं रखते अपन, 100 रुपये रख दी, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो पवन वाघ एकेडमी की जो वैल्यू बढ़ते चली गई, तो समझ लो अगर पवन वाघ एकेडमी का शेयर 150 रुपये का हो गया और ये शेयर या फिर 50 रुपये का हो गया, देखो अपन दोनों बातें करके रखिए है ना, या फिर वो 100 रुपये का ही है, या फिर वो 100 रुपये का ही है, तो यहां कंडीशन आएगी कि ये शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट, ऐसा बोलेंगे अगर ऐसा हो गया तो। यहां होगा शेयर इज एट पार, शेयर इज एट पार, और यहां होगा शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम, समझ रही बात? ऐसा बोलते हैं, ओके। अच्छा ये इसकी प्रिंटेड वैल्यू है ना, ये मार्केट वैल्यू हो गई, ये प्रिंटेड वैल्यू, ये कौन सी? ये प्रिंटेड वैल्यू है, ये प्रिंटेड वैल्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। और ये क्या है, ये मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू, ये भी इसकी मार्केट वैल्यू है, ये भी इसकी मार्केट वैल्यू है। तो जरा ध्यान से देखो, यहां मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से, ये फेस वैल्यू है ना, ये फेस वैल्यू है। एक मिनट रुकना, ये इसकी फेस वैल्यू है ना, ये फेस वैल्यू, इसको अपन एफ वी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन एफ वी बोलेंगे, एफ वी, ये एफ वी है। तो यह देखो, ये 100 एफ वी है और ये एम वी 50 है, तो क्या हो गया, एम वी क्या हो गया यहां पर, एम वी लेस देन एफ वी होगा, तो हम क्या बोलेंगे, शेयर इज अ डिस्काउंट। यहां पर एम वी बराबर एफ वी होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये 100 रुपए पे है, तो शेयर इज एट पार, इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे शेयर इज एट पार। और अगर एम वी जो है वो एफ वी से बड़ा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो हम बोलेंगे शेयर इज एट प्रीमियम, ऐसा होता है। समझ में आ गया, कर लगा तुम्हारे, ऐसा है। बढ़ते हैं आगे, एक मिनट रुकना बेटा, तो बच्चों ये हमारी क्लास शुरू हो रही है नासिक में, आपको पता है गंगापुर रोड पर शहीद सर्कल पर हमारा क्लास ओपन हो चुका है, यहां एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं 11th 12th के लिए। जो है जो बच्चे 2 साल के लिए एडमिशन लेते हैं उनका जो है टोटल पैकेज जो है बहुत कम, अदर इससे बहुत कम हम प्राइस रखे हैं। आप लोग यहाँ पर आके हमसे कनेक्ट हो सकते हो। पवनबाग अकेडमी पूरी तरह से बच्चों को मदद कर रहा है, अब ऑफलाइन में भी मदद करेगा, लेकिन हाँ ऑफलाइन में हमारे आप समझ सकते हो, यहाँ हम आपका कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, आपको पर्सनल अटेंशन के साथ में पढ़ाने वाले हैं, आपके लिए मोटिवेशनल सेशंस होते रहेंगे, आपके रिजल्ट के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए आपका टेस्ट होता रहेगा, टेस्ट का एनालिसिस होता रहेगा। एक बात ध्यान रखना, लिमिटेड सीट्स है, जो जितने जल्दी आके एडमिशन कर लेगा उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। डिस्काउंट जो है फर्स्ट 30 एडमिशन्स पे रहेगा, स्कूल स्कॉलरशिप टेस्ट होती रहेगी और साथ ही में डिफरेंट वर्कशॉप्स के माध्यम से आपका आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने एडमिशन्स को कन्फर्म कर सकते हो। एडमिशन करने के लिए आपको सेंटर आना पड़ेगा मंडे से, आप चाहो तो मंडे से आके एडमिशन ले सकते हो और जो भी आगे की प्रोसेस आपको वहीं समझा दी जाएगी। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। सम इन्वेस्टेड क्या होता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सम इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर्स इज सम इन्वेस्टेड। जो किसी भी, एक मिनट रुको, जब किसी पर्टिकुलर, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड क्या होता है, अरे यार क्या हो रहा है इसको, हाँ ऐसा हो गया क्या, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज अ शेयर इज कॉल्ड सम इन्वेस्टेड। मतलब क्या होता है, जब भी आप शेयर, जब भी शेयर खरीदते हो, लाइक एक शेयर 50 रुपए का है, आपने 100 शेयर खरीद लिए तो आपने 5,000 रुपए उसमें डाल दिए, तो ये 5,000 रुपए जो आपने डाले हैं, इस 5,000 रुपए को कहते हैं दैट इज योर सम इन्वेस्टेड, इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, सम इन्वेस्टेड है ना, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है,
ये आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है और इसी के ऊपर आपका जो है प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिटर्न्स का क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, रेट ऑफ रिटर्न्स का क्वेश्चन बनता ही है। तो रेट ऑफ रिटर्न्स बहुत अच्छे से समझ लो कि रेट ऑफ रिटर्न्स होता क्या है और कैसे इसको निकालते हैं। रेट ऑफ रिटर्न्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बेटा, आपको आना पड़ेगा वहां पर। हम लोग जो है नासिक के बच्चों के लिए एक और बात ध्यान रखो, हो सकता है कि हम अगले महीने कुछ 10-15 दिन का एक क्रैश कोर्स रखे M2 के लिए, देखते हैं, या फिर डायरेक्ट 11th ही स्टार्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या है। तो ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ। रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें, क्या क्या करना पड़ता है, जैसे आपको बता के रखा है कि 60 शेयर है, 60 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए है और मार्केट वैल्यू कितनी है 30 रुपए है, कंपनी डिक्लेयर 20% डिविडेंड। देखो बेटा इसमें दो बातें होती है, आपको जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले वो देखो। आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा भाई, आपने 10 रुपए, आपने 60 शेयर खरीदे और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है बेटा 30 रुपए है, तो आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए 1800 रुपए। लेकिन कंपनी जो डिविडेंड देती है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं देती, बात ध्यान रखना, कंपनी डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है, कंपनी डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है ना, बात ध्यान रखना। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी कंपनी है पवन वाघ अकेडमी कंपनी हो गई, तो आपने हमने जो प्रॉफिट कमाया, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को देती है, वो किसको देती है शेयर होल्डर्स को देती है, और वो पार्ट कैसे बांटती है, कुछ परसेंटेज से बांटती है, लाइक 10% दिया तो 10% किस पे देगी, वो फेस वैल्यू के ऊपर देती है। ठीक है, अब जैसे ऐसा है कि कोई मार्केट में आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया 5000 रुपये, लेकिन उस शेयर का फेस वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू 5000 है लेकिन उसका फेस वैल्यू अगर 1000 है तो आपको 5000 से कंपनी को मतलब नहीं है, कंपनी आपके फेस वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट देती है, तो फेस वैल्यू के ऊपर 10% देगी, तो फेस वैल्यू का 10% तो 100 रुपये होगा, ऐसा 1000 का 10%। ठीक है ना, जैसे यहां पर बता के रखा, अभी क्या करेंगे, यहां 20% दिया है, फेस वैल्यू कितनी है देखो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां फेस वैल्यू कितनी है, वन शेयर का फेस वैल्यू कितना है, वन शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, 60 शेयर का कितना होगा, 60 शेयर्स का कितना होगा 10 × 60, तो ये 600 रुपए हो गया, और 600 रुपए का 20% निकालना है, तो कंपनी इसका 20% निकालेगी, तो इसका 20% क्या होगा 120 रुपए होगा, 120 रुपए अपने को इसके ऊपर कैलकुलेट, देखो बड़ा गजब सा काम है, बहुत ही, यही पर बच्चे फंसते हैं, हम क्या करते हैं, हम यही फंसते हैं, तो यहां फंसना नहीं है। मैं देखो तुमको बता दूं, एक प्रॉपर तुमको बना के बताता हूं, उससे तुमको पक्का बनाते आ जाएगा क्वेश्चन, 100% तुम सॉल्व कर लोगे। देखो जैसे मैंने बताया कि PWA का शेयर है, पवन वाघ अकेडमी का शेयर हो गया एक, ठीक है, इसका फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू 100 रुपए था, और मार्केट वैल्यू क्या था, मार्केट वैल्यू 200 रुपए था। तुमने कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स जो है ना, 50 शेयर जो है ये क्या कहते हैं, विराट कोहली ने खरीदे, किसने खरीदे, विराट कोहली ने, विराट कोहली अपना मैच देख रहा है, विराट कोहली ने खरीदे, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है, विराट कोहली पवन वाघ अकेडमी कैसे इन्वेस्ट करेगा, है ना, विराट कोहली ने ये शेयर्स खरीदे, तो विराट कोहली का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, पहले अपने को इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो 50 शेयर खरीदे और मार्केट वैल्यू 200 रुपए थी, तो 200 रुपए मतलब 5 × 10 भाई साहब 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए इसने, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया, कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, लेकिन डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है, किसके ऊपर दिया जाता है, फेस वैल्यू पे दिया जाता है कि मार्केट वैल्यू पे,
डिविडेंड जो है फेस वैल्यू पे दिया जाता है, मार्केट वैल्यू पे दिया जाता नहीं है, ठीक है। किसके ऊपर दिया जाता है? फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं देते, ठीक है। तो अब फेस वैल्यू क्या है? अब इसको कितना पैसा रिटर्न, अपने को रेट ऑफ रिटर्न निकालना। अभी अपन क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या करना कि पहले आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है। पहले इन्वेस्टमेंट निकालना है 10,000 रुपए, क्योंकि आखिरी का पैसा इसी के ऊपर कैलकुलेट होगा। अब क्या किया, देखो ध्यान से देखना। अभी क्या हो गया, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? 10% का डिविडेंड दे रही है। कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है? 10% का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड कितना दे रही है? डिविडेंड 10%। ओके, तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। कितने शेयर खरीदे थे भाई साहब ने? 50 शेयर खरीदे थे। तो फेस वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स कितना हो जाएगा? 50 × 100 हो जाएगा भाई साहब। इसके बाद में पहला काम क्या करना है? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है। दूसरा काम है डिविडेंड निकालना। पहला काम क्या करना? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए शेयर जितने भी होंगे, नंबर ऑफ शेयर जो होंगे, उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, पहला काम। दूसरा काम, डिविडेंड कैसे निकालोगे? कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो कैसे निकालोगे? डिविडेंड का जो परसेंटेज होगा, डिविडेंड परसेंटेज इनटू शेयर फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, यहां से वन शेयर का फेस वैल्यू, वन शेयर का डिविडेंड निकालोगे आप। वन शेयर का निकालो, टोटल का भी डिविडेंड निकाल सकते हो। जैसे मैंने क्या करा, डिविडेंड निकाल, डिविडेंड कैसे निकालोगे? मैंने यह लिख लिया कि एक शेयर 100 रुपए का है, 50 शेयर 5,000 के, 5,000 का मुझे कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है? 10%। तो टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा 10% ऑफ 5,000। तो डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड हो गया 10% ऑफ 5,000। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 10, इसको 1/100, और इसको 5,000, 2 0 2 0 50, और ये हो गया 500। डिविडेंड हो गया 500। अब क्या करेंगे? आपने डिविडेंड निकाल लिया, अब क्या करेंगे? आपको 500 रुपए डिविडेंड मिला है, आपने पैसे कितने डाले थे? आपने पैसे कितने डाले? 10,000 रुपए। देखो यहां लिखो, अब रेट ऑफ रिटर्न्स कैसे निकालोगे? रेट ऑफ रिटर्न्स निकालने के लिए सिंस देयर फॉर जमाना ऑन 10,000 इन्वेस्टमेंट, बॉक्स बना के भी कर सकते हो, सिंस देयर फॉर से भी कर सकते हो। 10,000 पर 500 रुपए मिले हैं, है ना? ऑन 10,000 विराट गॉट 500 रुपीज। तो ऑन 100 रुपीज कितना मिलेगा? 100 × 500/10,000। तो ये जो आया ना भाई मेरे, ये 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से 2 0, तो रेट ऑफ रिटर्न्स आ गया 5%। क्या हो गया? रेट ऑफ रिटर्न्स। समझ रही बात? फेस वैल्यू 100 रुपए था, तो 100 रुपए के ऊपर आपने डिविडेंड निकाला 50 शेयर का, एक शेयर का निकाल सकते थे, 50 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना? टोटल फेस वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो दो तरीके होते हैं, है ना? दो तरीके होते हैं बिल बनाने के, दो तरीके होते हैं। एक 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 फेस वैल्यू के ऊपर आप डिविडेंड निकालो, 50 से मल्टीप्लाई कर लो, या एक फेस वैल्यू को 50 से मल्टीप्लाई करके टोटल डिविडेंड निकालो, वो आपके ऊपर है। तो पहला काम क्या है कि इन्वेस्टमेंट निकालो, दूसरा काम क्या है डिविडेंड निकालो, तीसरा काम क्या है रेट ऑफ रिटर्न्स निकालो। इतना ध्यान रखना, समझ में आया सबको? ये देखो, एक मुझसे पूछ रहा है पठान मूवी कब रिलीज होगी। देख लो इसको, खुजली आदमी को किधर से किधर पहुंचा देती है। कल मैंने 15 मिनट का जो सेशन लिया, चिल्ला चिल्ला के बच्चों को बताया कि सीधे रहो, गड़बड़ मत करो। अभी मुझे पठान मूवी का पूछ रहा है, जैसे कि मैं शाहरुख खान का असिस्टेंट हूँ, या मैं उसका पीए हूँ, मेरे को पता हो, या मैं मूवीज देख रहा हूँ रोज बैठ के। अरे नहीं ना यार, ऐसे क्या करते हो बेटा? वो बार बार पूछ रहा है,
बार बार पूछ रहा है कि सर आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? हाँ विराट तुम ही हो। रेट ऑफ रिटर्न्स रिपीट। देखो 100 रुपए का शेयर का फेस वैल्यू था, मार्केट वैल्यू 200 रुपए था। 50 शेयर खरीदे थे 200 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। डिविडेंड जो होता है फेस वैल्यू पे मिलता है, तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 100 रुपए है, तो फेस वैल्यू 50 शेयर होगी, 50 × 100 तो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड जो होगा 5,000 रुपए कैलकुलेट होगा, तो 10% ऑफ 5,000 निकाला, तो 10% ऑफ 5,000 ₹500 हो गया। 500 रुपए मिला है, 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 500 रुपए मिला है, तो 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलेगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 × 500 अपॉन ये, मैंने बोला था इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना और इसको अपॉन में लिख के सॉल्व कर लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। ये आ गया ऐसे, तो पहले क्या करना है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड राइट द गिवन कंडीशन, जो जो दिया था वो लिख लो। उसके बाद में टू फाइंड द सम इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर इनटू मनी मार्केट वैल्यू। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, जो स्टेप्स है वो लिख लो, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर लिख लो। और पहले क्या बोलता है? सम इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। देखो मैंने क्या किया था, नंबर ऑफ शेयर्स 50 इनटू मार्केट वैल्यू, ये क्या था? ये था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। देखो वही है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में अगली स्टेप क्या आ गई, ये देखो मनी इन्वेस्टेड यहां पर अलग आ गया है, 30 रुपए के हिसाब से चल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, ठीक है। फाइंड टोटल डिविडेंड रिसीव, टोटल डिविडेंड कैसे निकालोगे? टोटल डिविडेंड ऐसे होगा, ये नीचे का हाँ बंदी है ना, अच्छी बात है। तो 10 पर 10 रुपए पे 20%, तो 2 रुपए मिला है एक शेयर पे, तो टोटल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो, है ना। दोनों तरीके मैंने बताए हैं आपको, आपको जैसा बेटर लगता है वैसा आप कर सकते हो। नहीं बेटा सेम नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला अकेले का नहीं होता। रेट ऑफ रिटर्न टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ऐसे भी फार्मूला लगा सकते हो। ये रेट ऑफ रिटर्न्स का फार्मूला है, टोटल डिविडेंड इनटू सम ऑफ इन्वेस्टेड इनटू 100, जो मैंने यहां लिखा है, ये जो मैंने डायरेक्ट करके रखा था, मैंने सिंस देयरफॉर से किया है। ये एक मेथड है, ये मेथड वन है डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न निकालने की, मेथड वन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो दूसरी मैंने बता के रखी है, ये मेथड टू है। ये क्या है? ये मेथड टू है रेट ऑफ रिटर्न्स की। ये क्या है? ये मेथड टू है। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ये वाला, कि टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, आपका काम हो जाएगा। टोटल ये ऐसे करना है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे एंड राइट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आखिरी में सॉल्यूशन लिख लेना है। देखो ये आ गया 4.3 एक्सरसाइज, यार बहुत सारा बचा अभी तो 4.3 ही चल रहा है, अभी तो 4.4 भी है ना। हाँ 4.4 में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, फटाफट करेंगे उसको भी। चलो बढ़ते आगे। ये क्या है? 100 रुपए का है फेस वैल्यू, पार पे है तो मार्केट वैल्यू 100 रुपए ही होगा क्या? उसको प्रीमियम 500 रुपए का, तो ये 75 रुपए का होगा ये, और 100 रुपए का 10 रुपए तो डिस्काउंट पे हो गया ये। देखो यार ये इससे कम है, मार्केट वैल्यू छोटा होगा तो डिस्काउंट होगा, ये ज्यादा होगा तो प्रीमियम 500 है, तो दोनों को प्लस करो तो ये आएगा, और ये पार पे है तो दोनों इक्वल आएगा, दैट्स इट, हो गई बात। ये यहाँ पे सॉल्व भी करके दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हमने किया है इसको। अमूल परचेज 50 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80, कंपनी गिव डिविडेंड 20%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले आपको जो जो दिया है वो निकाल लो। तो पहले दिए शेयर्स कितने हैं, शेयर्स आपने लिए हैं 50, है ना। फेस वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू कितना है 80, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, 20% डिविडेंड है, डिविडेंड कितना दे रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है 20%, तो डिविडेंड परसेंटेज लिखो तो वो 20% है। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड, शब्द क्या आएगा यहां पर, यहां का शब्द बदल लो, सम इन्वेस्टेड करो, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स
और होगा इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50 है। मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 रुपए है। तो कितना हो गया? 4000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। अब क्या हो गया? डिविडेंड, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड कितना होगा? 20% है। 20% ऑफ फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 100 रुपए है। तो 20% 100 रुपए का कितना हो गया? 20 × 1/100 × 100 हो जाएगा बेटा, 20 से 20 कट गया, तो 20 रुपए एक शेयर के ऊपर मिल रहा है। कितने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया भाई साहब ने? भाई साहब के 50 शेयर। टोटल डिविडेंड कितना आया? टोटल डिविडेंड कितना आया? 50 × 20, तो ये 1000 हो गया। 4000 का इन्वेस्टमेंट है, 1000 मिला, 25% आएगा। रेट ऑफ रिटर्न्स क्या आएगा? रेट ऑफ रिटर्न्स यहां डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड कितना है? 1000, सम इन्वेस्टेड 4000 इनटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, ऐसे करना, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी कठिन नहीं है। ये वैसे ही देखे रखा, 4000 रुपये इन्वेस्टमेंट आ गए, देखो सम इन्वेस्टेड, उसके बाद में 1000 रुपये टोटल डिविडेंड, देखो टोटल डिविडेंड निकाला मैंने 1000, और उसके बाद में सम इन्वेस्टेड 25% आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, इजी है, इंटरेस्टिंग है। चलो बढ़ते हैं आगे। कंपनी ए और बी दो दो डिविडेंड दे रही है ना। इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर इज सेम, ओके, फेस वैल्यू बोथ द शेयर इज सेम, ठीक है, देन ऑन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। अगर एक कंपनी का फेस वैल्यू सेम है, ये कहां से चालू हो गया यार? अरे बस रहे भाई, बस रहे दादा, बस रहे ही, कहां से चालू हो गया? ये अलग ही नाटक है, कुछ चीजों का अलग ही नाटक होता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। एक मिनट रुकना, बढ़ते आगे। ये इसके पहले के जो क्वेश्चन है बेटा, एक जोसेफ वाला क्वेश्चन है, एक देशपांडे वाला क्वेश्चन है, एक शांतिलाल वाला क्वेश्चन है, ये इसी तरह के क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के आपको करना है इनको, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन बचे हुए है, ये जो गायकवाड़ है ना, ये आदित्य गायकवाड़ बेटा, तू आधी पण कहीं की वातरट कमेंट करत होता ना आदित्य, तुझे कहीं प्रॉब्लम है बेटा? आदित्य आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है बेटा तो बता दो हमको, है ना, हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है कि यहां बैठे हैं तुम्हारे लिए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, मुझे बैटरी चेंज करनी है। अरे भक्त नहीं जो बना है धुंधता, लाइव लेक्चर रोज शाम को 6 बजे के बाद होता है, 6 बजे चेक कर लिया करो चैनल पे आके। मी मराठीज आए बेटा। सर माय क्लास टीचर दे आर सेइंग दैट सीबीएसई एंड महाराष्ट्र बोर्ड्स आर सेम, सेम है पर कुछ 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 चैप्टर आगे पीछे होते हैं। सर बोर्ड के सब्जेक्ट पे बुक लेके जा सकते हैं क्या कॉपी करने के लिए? तेरे टीचर से पूछ ले, तुम्हारे टीचर से पूछ लो कि सर बोर्ड में कॉपी लेके कर सकते हैं क्या बुक लेके, है ना, तुम्हारे टीचर दे देंगे तुमको परवानगी कि क्या करना है, कैसे करना है, है ना। तुम्हारे टीचर को पूछ लो कि कॉपी लेके जा सकते हैं क्या।
ठीक है ना। ऑलमोस्ट सेम होता है बेटा, चैप्टर आगे पीछे है बस। बहुत गजब बात है, बहुत ही गजब बात है। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन देके रखा है, द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द शेयर इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल। तो यहां हम सपोज कर सकते हैं, ऐसा लेट कर सकते हैं कि लेट फेस वैल्यू क्या है दोनों की, दोनों की फेस वैल्यू क्या है, हम 100 रुपए ले लें और डिविडेंड परसेंटेज इतना है, मार्केट वैल्यू इतना है। तो केस वन, कंपनी वन की बात करें हम, है ना, कंपनी ए की बात करते हैं कि कंपनी ए का सीन क्या रहने वाला है, ठीक है ना। कंपनी ए का सीन क्या रहेगा वो देखते हैं। मार्केट वैल्यू देके रखी है 80 रुपए और डिविडेंड परसेंट कितना देके रखा है, डिविडेंड परसेंट देके रखा है 16%। अब बोलता कहां पर ज्यादा होगा, तो आपको दोनों बार में जो है ना, दोनों कंपनी के लिए रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, दोनों के लिए रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ दोनों का रेट ऑफ रिटर्न निकालना, तो यहां पर जो डिविडेंड है ना डायरेक्ट इसके ऊपर निकलेगा, टोटल डिविडेंड। यहां नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, हम पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, कितने शेयर है, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बात अलग होती थी। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लो, पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लो कि पहले इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट निकालो, इन्वेस्टमेंट कितना होगा यहां पर, यहां का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड बोले इसको, इसको सम इन्वेस्टेड भी बोल सकते हैं, ये 80 रुपए होगा, है ना। और डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड 16% ऑफ 100, तो 16 रुपए हो गया। तो रेट ऑफ रिटर्न्स क्या हो गया यहां पर, सम इन्वेस्टेड सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 होता है, तो डिविडेंड कितना है 16 रुपए, सम इन्वेस्टेड कितना 80 रुपए, और ये 0-0 कट गया, 1-0 से 1-0 कट गया, 8-2-16, ये 20% का रिटर्न दे दिया इसने, इसने इसको 20% का रिटर्न दे दिया। अब अपन कंपनी बी की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, अपन कंपनी बी की बात करते हैं, ठीक है ना। कंपनी बी क्या बोलता है, कंपनी बी के अंदर क्या होगा कि फेस वैल्यू तो वही है 100 रुपए, है ना। मार्केट वैल्यू कितना है, 120 रुपए हो गया, और डिविडेंड परसेंट कितना है, डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, वो 20% है। तो अभी क्या होगा ऐसे केस में, यहां पे फिर अपन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड क्या होगा, जो मार्केट वैल्यू होता है वो सम इन्वेस्टेड हो जाएगा 120 रुपए। डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या होगा, 20% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 100, 2-0 से 2-0 कट गए, तो 20 हो गया ये, है ना। डिविडेंड 20 रुपए हो गया, फिर रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे अपन, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न होगा डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, डिविडेंड कितना है 20 रुपए है, है ना, और सम इन्वेस्टेड कितना है 120 रुपए है, और ये 100 है, तो 2-1-0 से 1-0 कट गया। अरे यार सॉरी, कहाँ का जीरो काट रहा हूँ मैं किधर का जीरो काट रहा हूँ, हद हो गई यार, पवन सर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसे क्या कर रहे हो। ये हो गया 20 और ये हो गया 120 और ये हो गया 100, ये 6 बार कट गया, 100 अपॉन 6 मतलब 50 अपॉन 3 मतलब 17-3 51 16.66 क्या होगा, वो 16.66 आएगा, 16.66 आएगा, चेक करके देखो 16.66 समथिंग होगा। तो ये ज्यादा है, मनी इन्वेस्टमेंट इन ए इज प्रॉफिटेबल, बी में नुकसान हो रहा है। फेस वैल्यू हमेशा सो नहीं होती बेटा, फेस वैल्यू हमेशा सो नहीं होती। देखो इसको सॉल्व करके रखा है इसने, ए और बी में सॉल्व करके रखा है। मैं वो वाला जो लिखा हुआ पार्ट है उसको हटा देता हूं, जो लिखा हुआ पार्ट है उसको मैं हटा देता हूं, ये ऐसा है।
ठीक है, 17% नहीं है वो, 17 नहीं होगा वो 16 पॉइंट, वो क्या होगा, होगा 16.16%, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, टेस्ट कर लो। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू 25 है, फाइंड द फेस वैल्यू, प्रीमियम देके रखा 5, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, 20 रुपये होगा ना यार, 25 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो फेस वैल्यू आएगा 20, ये मार्केट वैल्यू में से प्रीमियम को माइनस करना पड़ेगा तब फेस वैल्यू आएगा। देखो मार्केट वैल्यू में से प्रीमियम माइनस किया तो 25 फेस वैल्यू आ गया। इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 200 एंड द मार्केट वैल्यू इज 275 तो क्या होगा, 75 रुपये बढ़ा है तो शेयर इज एट प्रीमियम 75, शेयर इज एट डिस्काउंट 75, तो भैया शेयर इज एट प्रीमियम 75 होगा ना। हाँ सीधी सीधी बात है, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स से बताना है, ट्रू है कि फॉल्स से बताना है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 254, मार्केट वैल्यू 229, छोटा हो गया इससे, है ना। शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 25, डिस्काउंट सही है, करेक्ट है ना, कम करके देख लो, माइनस करके देख लो, है ना। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू, नहीं, डिविडेंड जो कैलकुलेट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू के ऊपर, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मार्केट वैल्यू, 200 रुपये फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 40 रुपये तो कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको मार्केट वैल्यू निकालना है और डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, तो अरे 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 मार्केट वैल्यू ना, हाँ तो 200, फेस वैल्यू 200 है, डिस्काउंट 40 रुपये है तो 160 का हो जाएगा। द फाइनल मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, प्रीमियम 50 रुपये तो 100 और 50 प्लस हो जाएगा, 150 का आएगा। चलो ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। फेस वैल्यू जब मार्केट वैल्यू से बड़ा हो जाए, फेस वैल्यू जब मार्केट वैल्यू से बड़ा हो जाए तो शेयर इज एट डिस्काउंट, पहले ऐसे ही आएगा, शेयर इज एट पार यहां आएगा और ये यहां आएगा, ऐसा मेक द फॉलोइंग है। पहला वाला तो पहले वाले से जुड़ रहा है, दूसरा वाला तीसरे वाले से जुड़ रहा है और तीसरा वाला पहले वाले से जुड़ रहा है, मैच द फॉलोइंग है, ये सब आ सकता है। लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन आए तो पहले ही क्वेश्चन आ चुके हैं, एक्टिविटी है ये, 2 मार्क के लिए आ चुका है क्वेश्चन। स्मिता इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज टू परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 एंड प्रीमियम 2 रुपीज, तो 12 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रीमियम 2 क्या है। देखो ऐसी केस में 12 रुपये 10 रुपये का जो हो रहा है तो यहाँ पर आएगा प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 10 और 2 12 रुपये, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, 12 से डिवाइड किया तो भाई साहब 1,000 शेयर मिले इनको, सिंपल काम है। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले एक्टिविटी में अलग क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, तो तैयारी आपकी रखना पूरी की पूरी। मैं नासिक में ही हूँ बेटा, ठीक है आदित्य, कोई बात नहीं, माफ किया बेटा, पर थोड़ा सा ना, बस मुझे तुम लोगों से सिर्फ प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डिडंट आस्क यू टू पे समथिंग ना बेटा, प्लीज। सर आप थकते नहीं हो क्या, कितने भाई कितना टाइम हो गया। एक्चुअली ना मुझे आज टी शर्ट लेने जाना था, 2 घंटे हो गए, हाँ 2 घंटे हो गए। शांतिलाल हैज परचेस्ड, मेरी खिचड़ी बन के तैयार है यार, शांतिलाल परचेस 150 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज के हिसाब से, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, देखो 150 शेयर लिए है, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 120 है, 100 शेयर कितने शेयर खरीदे, 150 शेयर खरीदे तो मल्टीप्लाई कर लो 18,000 आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू 100 रुपये था, रेट ऑफ डिविडेंड क्या दे के रखा है, 7%, तो यह 7 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, देखो 7 आ गया, करेक्ट है मेरा। डिविडेंड टोटल कितना होगा, 15 से 7 105, 1,050 रुपये, तो 1,050 डिवाइडेड बाय दिस, तो 1,2,1,2,1,2 इसको 18 से डिवाइड कर दो, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज, ये ब्रोकरेज और टैक्सेस की बात करते हैं। अब जो है जो शेयर होल्डर्स है, जब आप शेयर खरीदते हो तो सिर्फ शेयर खरीदते हो मार्केट वैल्यू से, ऐसा नहीं होता, उस समय आपको ब्रोकरेज के ऊपर भी जीएसटी देना होता है,
ठीक है, तो कैसे होता है वो ब्रोकरेज एंड टैक्स शेयर ये दे। ब्रोकरेज क्या होता है, मतलब दलाली, दलाली होती है ना। ओनली रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एजेंसीज ऑफ द स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल ऑन द बिहाफ दीज मेंबर्स आर कॉल्ड शेयर ब्रोकर्स। जैसे अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी है ज़ीरोधा, एक कंपनी ज़ीरोधा जो आपसे ये काम करवाती है, एक है मनी कंट्रोल, एक है मनी कंट्रोल, उसके बाद में है एक एंजल ब्रोकिंग, एक है एंजल ब्रोकिंग, एक है फाइव पैसा। अपन फाइव पैसा में इन्वेस्ट करके रखे, अपना इधर है सब कुछ, ज़ीरोधा में भी अपना अकाउंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फॉर कैटरिंग द सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स सम अमाउंट्स विच इज कॉल्ड अ ब्रोकरेज। अपने को खरीदते समय बेचते समय कुछ आपको पैसा देना पड़ता है, उसको ब्रोकरेज कहते हैं। और कोई भी शेयर आपको खरीदना है बेचना है तो उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है इनके साथ में, जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। आपका डीमेट अकाउंट जो होता है ना, वो इन कंपनीज के अंदर आपको खोलना पड़ता है, ठीक है, जहां पर सब काम होता है। नोट दैट ब्रोकरेज इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू। देखो डिविडेंड पेड ऑन द फेस वैल्यू, सेंटेंस ध्यान रखना। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कि डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू एंड ब्रोकरेज इज पेड ऑन मार्केट वैल्यू। बड़ी कमाल की लाइन है, इसके ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, तैयारी रखना एग्जाम में करने की, ठीक है ना। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन द ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। ओके, इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ द सेल परचेस ओके ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ द वन शेयर इज शोन विद द ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। ओके, इस तरह से होता है। एक मिनट रुकना, मैं नासिक में ही हूं भैया, नासिक में कब आओगे क्या, मैं नासिक में ही हूं। देखो ध्यान से, एट द टाइम ऑफ परचेसेस परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर ब्रोकरेज। देखो जब आप शेयर खरीदते हो तो आपको मार्केट वैल्यू के साथ ब्रोकरेज देना पड़ता है। मतलब अगर 100 रुपए का एक शेयर है, उस पर आपने 2 रुपए ब्रोकरेज दिया तो आपको 102 रुपए का शेयर पड़ेगा, ये इसकी मार्केट वैल्यू, ये इसका ब्रोकरेज है। और अगर आपने 100 रुपए का बेचा, यानी ये बाय करते टाइम हुआ, लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो, आपका मार्केट वैल्यू इसमें से ब्रोकरेज माइनस होता है। समझ लो 102 का या 110 का शेयर था तो 2 रुपए इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपको 108 रुपए ही मिलेंगे, आपको 110 नहीं मिलेंगे, आपको यहां पर ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। परचेसिंग के टाइम पर ब्रोकरेज प्लस होता है मार्केट वैल्यू में, और सेलिंग के टाइम पर ब्रोकरेज माइनस होता है मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो देना आपको होता है, वो आपको देना होता है, इसके लिए ऐसा होता है। ये बहुत कमाल का स्टेटमेंट है, दोनों लाइन बहुत ध्यान से कर लो, फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम के स्टेटमेंट से सारे के सारे यही चीजें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है ना, जो जो मैंने लिख के रखा है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग द शेयर ऑफ द कंपनी मे इनकर अ लॉस। ओके, टू ओवरकम दिस रिस्क द लॉस ऑफ द पीपल इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड दीज फंडेड आर मैनेज बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स दैट इज कॉल्ड एसेट मैनेजर इन मैनेजमेंट कंपनी। क्या होता है, जब आप शेयर खरीदते हो तो शेयर आपको कोई, मतलब आप अपनी रिस्क पर खरीद लेते हो, फिर कभी कभी क्या होता है कि शेयर मार्केट गिर गया, आपका पैसा डूब गया, आपका लॉस हो गया, तो इससे बचने के लिए लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 100 लोगों ने पैसा डाला, तो उस 100 लोगों के पैसे को हैंडल करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उस कंपनी में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और उनको पता होता है कि कहां पर पैसा डालना है, तो वो क्या करते हैं आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा रिलायंस में डालेंगे, कुछ पैसा स्टेट बैंक में डालेंगे, कुछ पैसा जो है अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो वो होते हैं उसमें डालते हैं, कुछ पावर में डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका पैसा बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर बैठता भी है तो आप लॉस नहीं होता, उतना लॉस नहीं होता जितना होना चाहिए। शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर आप चले गए मेडिसिन कंपनी में,
तो जैसी कोरोना आया तो मेडिसिन की जितनी कंपनी थी टॉप में आ गई, उनका मार्केट अप चल रहा था, और अगर उस समय पर देखें तो कुछ कंपनी पूरी डाउन हो गई थी। तो ऐसा होता है, तो यहाँ पर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मनी इन्वेस्टेड इन दीज फंड्स आर नॉट इन्वेस्टेड ओनली इन वन टाइप ऑफ द शेयर, एक टाइप के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बट इन्वेस्टेड इन द वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, एज अ रिजल्ट द इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाइड एंड विच इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ द लॉस, उससे जो लॉस का रिस्क कम हो जाता है, अलग अलग जगह पर बांट देते हैं पैसे को। ठीक है, इन्वेस्टेड ऑफ द शेयर पीपल गेट यूनिट है ना व्हेन दे इन्वेस्ट देम इन द म्यूचुअल फंड। यहां जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आपको यूनिट्स मिलती है, उसको एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, उसको एनएवी का नाम दिया जाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड एनएवी। कितने एनएवीज आपको मिलते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एनएवी कहते हैं। देखो मार्केट में, देखो शेयर में हम शेयर के नंबर लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, एनएवी बोला जाता है। एनएवी इज वन यूनिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द यूनिट्स, तो नंबर ऑफ एनएवी ऑफ वन यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल फंड वैल्यू। ठीक है, और आगे बढ़ते, द इन्वेस्टर कैन रिडीम दीज यूनिट्स एज एंड व्हेन नीडेड। मतलब ऐसा होता है, इसके अंदर वो आपके इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अपने अमाउंट को, आप उसमें रिस्क को भी ये कर सकते हैं। हालांकि अब तो शेयर मार्केट में भी हो गया है कि आप जो है आपका डाउन भी डिसाइड कर लो और अप भी डिसाइड कर लो, फिक्स करके रखते हैं कि इतने पे आएगा तो बेच देना, इतने पे आएगा तो ले लेना, कंपनी से डिसाइड करके रखते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको SIP बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SIP, सिप। वन हु डज नॉट हैव अ बिग अमाउंट एंड डज नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट हैज अ ऑप्शन इन्वेस्टिंग। मतलब आप 500 रुपये हर महीना भी डाल सकते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, ऐसा करके बहुत पैसा जम जाता है। मैंने ऐसी एक 4 साल पहले एक कंपनी में कुछ हज़ार रुपये महीना डालना शुरू किया था जब मैं स्कूल में था, तो ऐसा करते करते मेरे पास अच्छे पैसे जम गए, वो पड़े हैं पैसे। मतलब वो उस समय जमा की करना शुरू किए थे जब मेरे पास कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये भी बचते थे, मतलब बड़ी कंडीशन ख़राब थी। तो उस समय एक बंदा मेरे पास आया, उसने बोला भैया हमारी कंपनी का आप चालू कर दो लेना, तो मैंने उनका शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे करके एक अच्छा अमाउंट बन गया। मतलब उस पर अगर रेट ऑफ रिटर्न अभी मैं चेक करता हूँ तो मुझे 30% से ज़्यादा रिटर्न मिला है, जबकि आप बैंक के अंदर जाके पैसा जमा करते हो तो 7% 8% 9% है, 7% 8% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। 30% का रिटर्न है मतलब कि मेरे जो वो पैसे थे 3 साल के अंदर डबल हो गए, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, जो पैसा मैंने 3 साल में डाला है वो डबल हो गया। ठीक है, चलो तो आप भी क्या करो, जैसे अभी छोटे हो आपको पैसे देते पापा मम्मी खर्च करने के लिए, अभी जैसे मैं अपने घर की बात बताता हूँ, अभी जैसे हमारे कृष्णा भैया है, ऋतिक भैया नहीं, कृष्णा भैया जो है वो क्या करता है, मैं उनको खर्चे के लिए पैसे देता हूँ तो वो क्या करता है उसमें से पैसे बचा लेता है, 100, 300, 500, 200, 300 से जमा करके रखे। मुझे नहीं पता बंदे ने कब जाके अपना खुद का डीमैट अकाउंट खोल लिया, और जिस दिन मार्केट गिर जाता है उस दिन जाके 2 शेयर 5 शेयर 4 शेयर 2 शेयर ऐसे खरीद लेता है। सुनो, ये उसने शुरू कर दिया, और एक दिन मेरे पास आके बैठा और मुझे बोलता, पापा पता है मैंने ना 13,000 रुपये की शेयर खरीद लिए हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड, बोले पापा मैंने ना इन्वेस्ट किया था कुछ पैसा तो मैंने ना मेरे इतने पैसे हो गए। मैंने कहा वाह बेटा, अभी तो पड़ ही रहा है। तो बोले मैंने सोचा कि जो पैसे आप देते हैं जिस दिन मार्केट गिर जाता ना उस दिन मैं 100-200 रुपये जो बचा हुआ के रखते हैं उसके मैं शेयर खरीद लेता हूँ, तो ऐसा कर करके ना मेरे पास इतने पैसे हो गए। और जब भी मार्केट पूरा ओंधा होता है जिस दिन 200-300-400 पॉइंट गिरा उस दिन खरीदता हूँ और वो पड़े हैं मेरे पास में, देखो ये सब। एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दिस। तो ये इन्वेस्टमेंट की आदत अभी से डाल दो। ये चैप्टर जो भी हो, ये कुछ भी सिखाए नहीं सिखाए, इसमें मार्क्स मिले नहीं मिले, लेकिन ये सीख तुमको देखे जाएगा कि तुम अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। अमेरिका में बच्चों को सिखाया जाता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, उसमें लूटना नहीं, मतलब उसके अंदर बहुत पैसा डालना नहीं होता है। पापा जो आपको खर्च के लिए पैसे देते हैं उसको कहीं पर बचाओ, उसको अपने पास रखो, 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये बच गए जैसे ही आपको लगा जिस दिन, कह रहे यार ये है। और शेयर भी ऐसे देखो, निफ्टी 50 के शेयर देखो या ऐसे शेयर्स देखो जहाँ पर आजकल वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल देते हैं कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसका कम होने वाला है, उधर पैसे डालने का। चलो, वन कैन इवन गो फॉर इन्वेस्टिंग 500 पर मंथ रेगुलर टाइम इंटरवल्स एंड दिस ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी इस पे पता है एक नई चीज आ गई है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी आ गया है।
ये बुक में बताया नहीं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है कि किसी बंदे के पास में 50 लाख रुपए आए हैं तो उसने 50 लाख रुपए जो है कंपनी में डाल दिए और भैया डिसाइड कर लिया कि मुझे ना 50,000 रुपए महीना निकालना है इसमें से या 20,000 रुपए महीना मुझे निकालना है। और बंदा निकाल सकता है, और बंदा निकाल सकता है। तुमको बताओ मैं इतना करने के बाद भी 5 साल बाद उनको 2-2, 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड थ्रू SIP इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं ऑलवेज पे गुड डिविडेंड, अच्छा बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर देके रखा है 2,200 रुपीज, ब्रोकरेज का परसेंटेज जितना है, फाइंड द परचेस प्राइस। देखो मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू 200 रुपए है, ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज है 3%, 0.3%, कितना है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज है 0.3%, तो टोटल ब्रोकरेज कितना हुआ, ब्रोकरेज हुआ 0.3% ऑफ 200 रुपीज, तो 0.3 upon 100 इंटू 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0.3 into 2 तो 60 पैसे हो गया, ठीक है 60 पैसे हो गया। तो कितने का पड़ा वो इन्वेस्टमेंट, परचेस प्राइस वैल्यू क्या हो गई, परचेस वैल्यू हुई, यहाँ पर खरीदते समय बताया है दैट इज मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होता है, तो मार्केट वैल्यू 200 था और ब्रोकरेज जो है 60 पैसे हो गया, तो हो गया 260 रुपये 60 पैसे, ऐसा है वैसे सॉल्व किया जैसे मैंने किया है, छप गया तुम्हारे सामने आंसर। ये स्टेटमेंट आखिर में लिखना जरूरी है वाला, ये बड़ा काम का स्टेटमेंट है, ठीक है। बढ़ते आगे, शेयर इज सोल्ड एट द मार्केट वैल्यू, ओके ये सेलिंग हुआ है, ब्रोकरेज इज पेड 10%। देखो मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ शेयर इज सोल्ड है, शेयर इज सोल्ड है, सोल्ड हुआ तो ब्रोकरेज माइनस होता है, बाय हुआ तो ब्रोकरेज प्लस होता है। ध्यान रखना शेयर जब भी ये बात ध्यान रख लो, जब भी आप शेयर को बाय करोगे या सेल करोगे, बाय करोगे तो आपका प्राइस क्या पड़ेगा, है ना, मार्केट वैल्यू प्लस आपको ब्रोकरेज देना है, ब्रोकरेज। और जब सेल करते हो तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज होगा, है ना। ये अमाउंट जो है ये आप पे करते हो और ये अमाउंट जो है ये आप रिसीव करते हो, ये पैसा आपको मिलता है, ये ऐसा होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको कहीं तो भी लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, फोटो मार लो, चिपका दो कहीं पर, तो भी सर ने बताया था, काम की चीजें हैं, किधर भी पूछ सकते हैं, MCQ में पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, और या तो फिर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो क्वेश्चन आएगा तो करेंगे ना उसको अपन। देखो ये कर रहे हैं अपन इसको, अरे क्या वो करेगा लेके, ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज परसेंटेज है 0.1%, तो भैया ब्रोकरेज कितना होगा, ब्रोकरेज होगा 0.1% ऑफ 1000, तो 0.1% ऑफ 1000 क्या होगा, 0.1 upon 100 इंटू हो गया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये 1 रुपया आ गया, तो कितना हो गया, है ना, क्या बोलता है, मनी रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड बराबर क्या आएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपये, और ये 1999 रुपये मिले उसको, देख लो आ गया 999 रुपये, सिंपल है ना, सिंपल है, इजी है, इंटरेस्टिंग है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर है बी फोर बाय किया है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 4500 रुपये हो गई, ठीक है। ब्रोकरेज 0.2% लगा है तो इस पे 0.2% ब्रोकरेज कितना होगा, 0.2% ऑफ 4500, तो 0.2 upon 100, 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 दूनी 90, 9 रुपये हो रही है ये, है ना,
तो ब्रोकरेज 2% 9 रुपए हो रहा है, ब्रोकरेज का आधा इसके ऊपर 9%, तो ये 0.81 पैसा होगा और ये भी 0.81 होगा, 81 रुपीज होगा, 0.81 होगा ये, और सबको टोटल मार देना है। अब देखो इसको एक एक करके सॉल्व किया, मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वो कर लिया इसके लिए। देखो समझने वाली बात देख लो क्या है कि नंबर ऑफ शेयर 100 है, मार्केट वैल्यू एक शेयर की 45 रुपए, तो 4500 हो गए, मैंने यहां 4500 लिख दिया था, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है, 0.2% है, 0.2% 45000 का, तो 9 रुपये आया मेरा, और 9 रुपये के ऊपर ब्रोकरेज निकाला है, 9 रुपये के ऊपर ब्रोकरेज कैसे निकालोगे, 9 रुपये का 9% निकालोगे, 9% ऑफ 9 रुपीज, तो 9/100 इंटू 9 तो नामा 81/100 तो हो गया 0.81। तो 0.81 जो है ये CGST भी है, 0.81 जो है वो SGST भी है, ये 9 रुपये आया और ये 81 आया और ये भी 0.81 आया और ये भी 0.81 आया। देखो आपको क्या करना है, ये 4500 फिर ये 9 और ये 41, मतलब ये टोटल को सबको प्लस करना है। तो देखो 4500 में 9 बढ़ा तो 4509 और 81 तो कितना हो गया, 81 816 1 रुपये 62 पैसे, तो 1 रुपये 62 ये 10 रुपये 62 पैसे हुए और ये तो 10 रुपये 62 पैसे इधर ऐड हो गए। इतना सिंपल है, ये हो गया इसका। अब सेल में क्या होगा, उल्टा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15000 पे 0.2% लेंगे आप, तो 15000 का 1% जो होगा वो इतना होगा, 0.2% तो होगा 30 रुपये, ये कितना होगा 30 रुपये होगा, 30 का 9% 9 × 27 तो 30 का 9% तो 2 रुपये 70 पैसा होगा, वो कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि 30 का जो 10% है, 30 का 10% क्या होगा 3 होगा, तो उसका 9% जो होगा वो 2 रुपये 70 पैसे होगा, ये भी 2 रुपये 70 पैसे होगा और सबको प्लस करेंगे अपन, तो 1530 और ये 1500, ये 35 रुपये 40 पैसे, तो 1535 रुपये 40 पैसे ऐसा इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखो अरे सॉरी ऐसा क्यों करा मैंने, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पर क्या है, देखो सेल हो रहा है तो ये पैसा ना इसमें से माइनस होगा, 1535 रुपये 40 पैसे, 35 रुपये 40 पैसे इसमें से कम होगा, 15000 में से 35 गया तो 16965 रुपये, और 40 पैसे और कम करो तो 16964 रुपये 60 पैसे, 16964 रुपये 60 पैसे मैं आके बंद करके दिखता है मेरे को, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से करो इसको। ये देखो डब्बे ऐसे भरे, ये डब्बा भरा देखो अपन ने, पूरा डब्बा ये भरा, देखो इसी भरा, यहाँ मैंने टोटल नहीं लिखा था, ये 4510 रुपये 62 पैसे और ये क्या था 14964 रुपये 60 पैसे, देखो 14964 रुपये 60 पैसे, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। मिस्टर डिसूजा मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर ऑफ फेस वैल्यू दिस एंड प्रीमियम एट दिस, ओके। तो और क्या बोलता है, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट द डिस्काउंट ऑफ द 10 रुपीज एंड रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ द 75 रुपीज। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बना के रखा है, आखिरी अंतिम क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपका कैलकुलेशन कमाल है। ब्रोकरेज कम मिलता है, ब्रोकरेज बहुत कम होता है, अभी 5 पैसा जो है ना वो बहुत कम, 10 रुपये लगाता है, कितने भी ट्रेडिंग करो आप 10 लाख का भी शेयर करोगे ना खरीदोगे तो 10 ही रुपये लगाता है, लेकिन तुमको पता नहीं उसका पैसा कितना जमा होता होगा, 10 रुपये लगाता है सिर्फ कोई भी आप ट्रेडिंग करो उसके ऊपर, नाम 5 पैसा है, 10 रुपये अगर एक बंदा खरीद रहा है शेयर या बेच रहा है, खरीदने वाले को भी 10 रुपये देने वाले को भी 10 रुपये, तो एक ट्रेडिंग में 20 रुपये कमाता है। हजारों लोग जो है शेयर मार्केट में दिन में 6 लाख से ज़्यादा लोग जो है ये करते हैं, अब 10-10 के हिसाब से देख लो, वो एक दिन की कंपनी की कमाई जो है ना वो लाखों करोड़ों में जाती है। अब डिसूजा की जो पिक्चर है ना, डिसूजा की पिक्चर बड़ी कमाल है, 200 शेयर खरीदे, फेस वैल्यू 200 है, प्रीमियम पे देखे रखा है, प्रीमियम कितना है 100 रुपये,
तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 200 के अंदर 100 रुपए प्लस कर दो तो मार्केट वैल्यू 300 हो गया। कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया है, 200 शेयर खरीदे, अरे फेस वैल्यू 200 नहीं है, 200 तो शेयर है भाई, 200 तो शेयर है। शेयर्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, शेयर्स 200 है, फेस वैल्यू 50 है और प्रीमियम 100 है। फेस वैल्यू क्या है, 50 है और प्रीमियम कितना है, 100 है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस का प्रीमियम तो 150 का मार्केट वैल्यू हो गया। तो सम इन्वेस्टेड कितना हुआ, सम इन्वेस्टेड कितना हुआ, एक 200 शेयर है इंटू 150 तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30,000 रुपये भाई साहब ने इन्वेस्ट कर दिए। ये क्या बोलता है कि आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ऑफ ऑन द, ओके अब डिविडेंड कितना मिला है, 50% डिविडेंड मिला है, टोटल डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है, डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 50 है, 200 शेयर है, फेस वैल्यू 50 है और कितना परसेंटेज मिला है, 50% मिला है, तो 50/100 कर लो, 20 से 20 काट लो, 25 दूनी 50, 5,000 रुपये मिल गया। अच्छा इतना इतना मिल गया उसको, ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन गड़बड़ है, 50% डिविडेंड ऑन, ही रिसीव्स 50% डिविडेंड ऑन शेयर्स, 50% मिला है, वाह यार। अच्छा फेस वैल्यू 50 रुपये ना यार, मैं 200 क्यों लिख रहा हूँ, ये तो गड़बड़ है। डिविडेंड ऐसे लिखो, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है, 50% डिविडेंड, 50% ही था क्या क्वेश्चन बुक में, हाँ 50% ही है, ठीक है, हालांकि मैंने भी सही किया था, तो मैंने जो किया था वो सही ही था, पर चलो ऐसे रहने दो। तो 50% ऑफ 50 रुपीज तो 50/100 हो जाएगा बेटा, और ये 50 हो जाएगा, ये कट गया, 5×5 25 रुपये, एक शेयर पे कितना है, एक शेयर पे तुमको मिला है, एक शेयर पे 25 रुपये मिला है, तो डिविडेंड ऑन 200 शेयर, डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स, तो 200 × 25, 5,000 रुपये डिविडेंड मिल गया है। अभी सीन क्या आगे, ये क्या बोलता है, आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, ओके 100 शेयर साहब ने बेच दिए। अब देखो फेस वैल्यू 50 था, डिस्काउंट 10 रुपये का हो गया, तो मार्केट वैल्यू कितने का हो गया, 40 रुपये का हो गया मार्केट वैल्यू इसका, इसका मार्केट वैल्यू कितना का हुआ, ये करने के बाद में भाई साहब ने क्या किया, ये करने के बाद में भाई साहब ने क्या किया, ये करने के बाद में सोल्ड, सोल्ड 100 शेयर्स, सोल्ड 100 शेयर्स, 100 शेयर्स भाई ने बेचे एट डिस्काउंट 10 रुपीज, तो अब 100 रुपये बेचे। फिर आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है, आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज एंड रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट 75 रुपीज, फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज फॉर 20 रुपीज, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड लॉस। ये क्वेश्चन मैं ऐसा सॉल्व करता हूं, थोड़ा चलेगा आपको, ठीक है ना। 100 शेयर 10 रुपये के डिस्काउंट पे बेचे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 रुपये में से 10 रुपये माइनस करो, मार्केट वैल्यू 40 हो जाएगा, तो कितना कितना पैसा मिलेगा इसको, इसका अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट रिसिप्ट क्या आएगा, अमाउंट रिसिप्ट क्या होगा भैया, देखो कितने कितने शेयर बेचे, 100 शेयर 40 रुपये के हिसाब से, तो 40 × 100 माइनस में 20 रुपये उसको दे रहा है वो ब्रोकरेज, हर केस में 20 रुपये दे रहा है, ये बेचे है ना तो 20 रुपये ब्रोकरेज दिया, तो ब्रोकरेज यहाँ पे मैंने माइनस किया है, देखो जब बेचते हैं ना तो ब्रोकरेज माइनस होता है, जब खरीदते हैं तो ब्रोकरेज प्लस होता है, ठीक है, तो ये हो गया 3,900
₹80 भाई साहब, कितना हो गए 3,980 रुपये हो गया आपका। अब क्या बोलता है ये कि एंड रिमेनिंग शेयर वर सोल्ड एट द प्रीमियम। भैया रिमेनिंग शेयर कैसे बेचे, रिमेनिंग शेयर कितने थे, रिमेनिंग, अरे रिमेनिंग की स्पेलिंग भी सही लिखो वाक सर, ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसा कई करता का तुम्हें। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर्स कितने होंगे भैया, 200 शेयर थे, 100 तो बेच दिए, तो 200 में से 100 चले गए तो 100 शेयर बचे हैं। मार्केट वैल्यू क्या होगी इनकी, ये प्रीमियम पे बेचे ₹75 के, ₹50 का फेस वैल्यू था, ₹50 का क्या था, ₹50 का फेस वैल्यू था, ₹50 का फेस वैल्यू था प्लस का प्रीमियम करो तो 50 और प्रीमियम कितना था ₹75। तो भाई साहब मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी हो गई, ₹125 की होगी शेयर, ₹125 का शेयर था भैया और बंदे ने ₹125 के 100 शेयर बेचे, तो ये हो गया मनी रिसीव्ड। क्या होगा मनी रिसीव्ड, क्या होगा मनी रिसीव्ड, यहां पर भी क्या होगा 100 शेयर है और मार्केट वैल्यू है माइनस ₹20 एज अ ब्रोकरेज है, तो ये कितना हो गया 100 शेयर है और 125 है माइनस ₹20, तो कितना हो गया ये 12,500 में से ₹20 चले गए, तो हो गया 12,480 रुपये हो गया। अब टोटल कितना अमाउंट इसको रिसीव किया इसने, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल मनी ही रिसीव्ड, तो भैया पहले मिला था डिविडेंड, फिर मिले थे 3,980 और फिर मिले 12,480, और डिविडेंड कितना मिला था भाई साहब को, डिविडेंड ₹5,000 मिला था, 5,000, 3,980 और 12,480, कितना हो गया ये देखो, 12,480, 3,980 और ये बंदे का ₹5,000, तो 0, 8, 9, 16 की 6 हाथ का 1, 14 की 4 हाथ का 1, 11 की 1 हाथ का 1, ये तो कम हो गया 21,000 आ गया है। तो यार इसने बंदे ने इन्वेस्टमेंट तो इतना किया था ₹30,000 का, इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000 का था, इन्वेस्टमेंट कितना था, ये क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिया सवाल, सॉरी बच्चों, इन्वेस्टमेंट कितना था, सम इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड ₹30,000, रिसीव्ड कितने हैं, ये हो गया था कितना हो गया था ये 0, 8, 9, 16 की 6 हाथ का आया 1, 5, 14 की 4 हाथ का आया 1, 21,460 रुपये हो रहे, माइनस कर दो 0, 10, 9, 9, 2, 4, 5, 8, 8,540 का लॉस हो गया इसको। पहले ये वाला करना, ये इधर से इधर है और फिर ये इधर से इधर है, ध्यान रखना उल्टा किया अपन ने, जो उर्दू विभाग के बच्चे खुश हो गए होंगे आज, ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेटा इसमें आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमारा जो अभी का आज का सेशन होगा वो सिर्फ 4 एक्सरसाइज के ऊपर होगा, मुझे पता था कि बड़ा लंबा सेशन वो होने वाला है और इसी के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि यार तुमको ऐसे करना है, है ना, एक मिनट रुको जरा, ये मैंने पहले ही बोल के रखा था कि सेशन बड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है और बहुत अच्छे से इसको अपन ने कर दिया है। अब इसमें बात ध्यान रखो कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको बड़ा ध्यान से अपने को समझ लेना है। मैथ्स 2 भी लूंगा, मंडे को पेपर है तो बेटा अपन मैथ्स 2 का कल अपन लेने वाले ना, कल चैनल पे आ जाना, हो सकता है मैं सुबह एक स्पेशल क्लास लूँ। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है बेटा उसके ऊपर जरा थोड़ा सा ध्यान दो, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, हमारा टेलीग्राम का चैनल है पवन बाग एकेडमी का टेलीग्राम का चैनल है और उस चैनल के ऊपर सारी अपडेट होती है, ऑल अपडेट्स वहां पर से आपको मिलते हैं, ऑल अपडेट्स अबाउट क्लासेस, इवन मैंने वहां पर कुछ पेपर्स भी शेयर किए। आपको बता दूं मैं, हमारा एक नंबर है
21262 इस नंबर के ऊपर आप आपके ऑल पेपर्स, आप आपके पेपर्स पीडीएफ में भेज दो, पीडीएफ में बना के इस पेपर यहां डाल दो, तो वो सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा विथ योर नेम। हमने कुछ बच्चों के पेपर शेयर किए हैं टेलीग्राम पे। अभी आपकी एग्जाम चल रही प्रीलिम एग्जाम, अगर आपने आपके प्रीलिम एग्जाम का पेपर पीडीएफ बना के यहां डाल दिया तो हम उसको मतलब हमको यहां भेज दिया 7588 पे, तो हम यहां भेज देंगे। हमारा टेलीग्राम का चैनल क्या है उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, t.me/pavanwag। अगर इतना आपने टेलीग्राम के सर्च में कर लिया ना तो डायरेक्ट आपको पवनवाग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा, डायरेक्ट पवनवाग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आप, है ना। और वहां पर मैं आपको जो अपनी क्लास लेता हूँ, फ्री क्लास लेता हूँ उसके लिंक, अभी जो लाइव क्लास लेता हूँ उसके लिंक वहां आपको सारे मिलेंगे। तो वो टेलीग्राम का चैनल बड़ा काम का है आपका मैसेजिंग करने के लिए, टेलीग्राम इज द बेस्ट एप्लीकेशन। हालांकि मैं अपने ऐप के थ्रू भी आपको मैसेज कर सकता हूँ लेकिन वो इतना हो नहीं पा रहा आजकल, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहां पर इस नंबर पे 7588 21262 पे आपका पेपर का पीडीएफ बना के भेजना। देखो फोटो मत भेजना, एक पेज है तो फोटो ठीक है, लेकिन चार पेज का पेपर है तो फोटो नहीं भेजना, वो हम शेयर ही नहीं करेंगे उसको, उधर डिलीट मार देंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हम लोगों के लिए हर पेपर को वो करना। सर आपकी फैमिली डिनर के लिए वेट कर रही होगी ना। हाँ बेटा प्रांजल खिचड़ी कब से बन गई है, शायद आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो भाई, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के मजा नहीं आएगा। अपने को मिलियन पे जाना है, मिलियन पे तुम्हें लोग पहुंचा सकते हो और कोई नहीं पहुंचा सकता, है ना। हमने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारे लिए ही किया है। टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लो, पैसे थोड़े लगते टेलीग्राम पे। ओके बच्चों, बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।